अच्छा भाई, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ लिया था, पाइन कोन का क्रेड कंप्लीट कर लिया था। पाइन कोन से हमने सर्च बना लिया था, ठीक है। आज हमें वही सेम काम जो है, पाइन कोन को हमें करना है साइड पे, और वही सेम काम सारा हमने करना है मोंगो डीबी से, ठीक है। उसके लिए ये आर्टिकल हमारे पास मौजूद है जी। अब ये तुम बताओगे कि इसमें ओपन एआई यूज़ होगा या क्या होगा। ओपन एआई से क्या करते हैं हम? हाँ भाई, इसमें भी ओपन एआई यूज करेंगे हम। ये तो डेटाबेस है ना यार। पाइन कोन को जब मैं कह रहा हूँ, पाइन कोन को हटा के हम लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि डेटाबेस चेंज हो रहा है, ठीक है। वेक्टर बनाने के लिए ओपन एआई के अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जिससे मैं वेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ओपन एआई से वेक्टर बना रहा हूँ, तो आप चाहें तो आप किसी भी और से बना सकते हैं। ओपन एआई से हम इसलिए बना रहे हैं कि उसका जो बेंच मार्क है वो सबसे अच्छा है, और मार्केट में सब लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ये एक्चुअली आर्टिकल मेरे पास यहाँ पे पहले से खुला हुआ है, ये इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या खुला हुआ है? पोस्टमैन। पोस्टमैन को मैं बंद करता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी हमें पोस्टमैन की थोड़ी देर में, फिर हम खोल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका कोड ओपन कर लेता हूँ, B3। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर ज़रा देख लेते हैं हमारे पास क्या है अभी। यार मोंगो डीबी के साथ जो हमने क्रड ऑपरेशन किया था वो नहीं किया था हमने क्या? अच्छा नहीं, अब तो मैंने एक नई कॉपी बनानी है ना हमने। मेरा ख्याल है ये नॉट जे एस वाले से मैं कॉपी करके लाया था, ये क्रड ऑपरेशन कॉपी करके लाया था ना मैं। हाँ, ये वाला कॉपी करके लाया था मैं एक्चुअली। तो अब इसको जो है ना, मैं लिख देता हूँ पाइन कोन, ठीक है। और इसके साथ मैं एक और बना देता हूँ। ओहो, क्या कह रहा है ये? अपडेट इम्पोर्ट 6-9, ठीक है। मैं इसको ज़रा कमिट भी कर दूँ लगे हाथों, ताकि वो बाद में गायब ना हो जाए। मैं कहता हूँ रीनेम, ठीक है। रीनेम की कमिट एक कर दी मैंने। अच्छा, रीनेम की कमिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये कॉपी बन रही है, जैसे ही ये बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है कॉपी, तो इसका मैं नाम क्या करना चाहूँगा, इसका मैं नाम करना चाहूँगा कि वेक्टर सर्च विथ मोंगो डीबी, ठीक है। वेक्टर सर्च विथ मोंगो डीबी करना चाहूँगा मैं इसका नाम, ठीक है। कॉपी कंप्लीट हो गई है, मैं इसको कहता हूँ कि जी 7 हो आप, और आप हो वेक्टर सर्च विथ मोंगो डीबी। सही है, मोंगो डीबी क्रड एंड वेक्टर सर्च, ये कर देता हूँ, शायद शॉर्ट रहेगा नाम ये। अच्छा, अब इसके अंदर आके मुझे करना ये है सबसे पहला काम, कि मेरे पास जो सर्वर पे जो क्रड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना सारा का सारा, इसके अंदर मुझे वो मोंगो डीबी वाला क्रड ऑपरेशन वापस लेकर आना है, ठीक है। यानी इसको रीस्टोर करना है। अब मेरा ख्याल है कि यार हम इसको कैसे जल्दी से ये काम कर पाएंगे हम। ये जो नॉट जेएस वाली फाइल है पूरी, यहाँ से उठा लें इसको पूरा का पूरा। ओके, चेक करते हैं जी हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ है। ये जो प्रोडक्ट गेट करने की एपीआई है, इसको मैं ले आता हूँ गेट वाले पे। सही है, मैं ज़रा बेसिक बेसिक सा कोड है वो, उसको कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से मैं, ताकि यहाँ पे लाके मैं उसको ना फटाफट रिप्लेस मारूँ। सही है, ये आ गया जी गेट। गेट स्टोरीज है ना हमारे पास, हमारे केस में हमने नाम रखा हुआ है इसका स्टोरीज़। तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, मोर और लेस मेरे पास कोड यही होगा, ठीक है। इसको पहले ना पूरे क्रड को हम ज़रा कन्वर्ट मारते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं मज़ीद इसमें। अच्छा, ये गेट प्रोडक्ट्स हो गया, उसके बाद हमारे पास ये एक सिंगल, अच्छा सिंगल प्रोडक्ट तो हमें फ़िलहाल गेट करना भी नहीं है, ठीक है। हम नहीं कर रहे, हमारी करंट सेटअप के अंदर जो करंट ऑपरेशन है उसमें हम सिंगल प्रोडक्ट गेट नहीं कर रहे। अच्छा, ये हमने क्योंकि पहले किया हुआ है, हम एक्चुअली अभी मोंगो डीबी नहीं पढ़ रहे हैं, मोंगो डीबी का करंट तो हमने पहले से किया हुआ है। हम असल में पढ़ रहे हैं सिर्फ वेक्टर सर्च, कि मोंगो डीबी में वेक्टर सर्च कैसे होगा। अच्छा, पोस्ट अ प्रोडक्ट,
पोस्ट अ प्रोडक्ट के अंदर ये मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है। और ये मैंने कैसी वैलिडेशन लगाई हुई है यार, चलो सही है, ऐसी लगाई हुई है, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या कर दिया, पोस्ट वाले के अंदर आके ना ये चीज़ कॉपी कर ली, और मैंने पोस्ट में जो है ये काम इस तरह से पोस्ट करवाना है MongoDB के अंदर। अच्छा, फिर पोस्ट के बाद जो पुट है, पुट के अंदर मैंने एक अच्छी वैलिडेशन लगाई हुई है, आईडी को चेक किया हुआ है, और ये मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसको पुट वाले को यहाँ से उठा लिया, और इसको मैं पुट की API में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। पुट की API में इसको ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और सबसे लास्ट में मेरे पास है डिलीट, ठीक है जी। डिलीट वाला ये सारा का सारा कोड उठाता हूँ मैं, और इसको ले जाके मैं डिलीट वाले में डाल देता हूँ। मेरे पास जो है जी डिलीट वाला जो है वो ये है, ठीक है, मैंने डिलीट वाले में डाल दिया। अच्छा, अब इसको हम टॉप से दोबारा स्टार्ट करते हैं, और एक एक API को ना हम परफेक्ट कर लेते हैं। अभी तो मैंने जो कोड कॉपी किया है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, परफेक्ट कर लेता हूँ ज़रा अपने हाथ से ना। अच्छा, MongoDB का कनेक्शन मेरे पास पहले से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने MongoDB क्लाइंट, MongoDB डेटाबेस और प्रोडक्ट कलेक्शन के नाम से मेरे पास यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाई हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है शायद मुझे अब की बार जो कलेक्शन है, क्योंकि मेरे पास स्टोरीज़ हैं, तो मुझे जो कलेक्शन बनानी चाहिए वो मुझे पोस्ट कलेक्शन बनानी चाहिए। सही है, पोस्ट कलेक्शन होगी एक्चुअली, ठीक है, और ये ई कॉम नहीं होगा, कोई भी नाम रख सकता हूँ यहाँ पे मैं इसका नाम क्रड रख देता हूँ, ठीक है, क्रड। डेटाबेस में यहाँ जो लिख दोगे वो बन जाएगा, MongoDB में कि मना नहीं करता आपको। ये असल में जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज़ क्लस्टर, ये जो हमने कनेक्ट किया हुआ है ना, ये दिस इज़ क्लस्टर, राइट। तो इसमें आप जो भी यहाँ लिख दोगे वो बन जाएगा। तो मैंने क्रड के नाम से एक डेटाबेस बना लिया, या बल्कि इसको सोशल स्टोरी कर देते हैं ना, जो हमारा, ठीक है, सोशल स्टोरीज़ के नाम से मैंने इसको बना दिया, और इसका नाम रख देता हूँ मैं पोस्ट्स, ठीक है। कलेक्शन का नाम हमेशा मैं एस के साथ लगाता हूँ, डेटा बेस का नाम तो मैं एस ना भी लगाऊँ ना इसके अंदर तो, लेकिन कलेक्शन के नाम के साथ प्रैक्टिस अच्छी है कि हम उसके साथ वो लगाते हैं, ठीक है, एस लगाते हैं। अच्छा जी, आके देखते हैं जी अब हमारे पास, अच्छा पाइन कोन हमारे पास इनिशियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा फ़िलहाल, ठीक है। अब मैं जस्ट अपने कोड को परफेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसकी क्लीनिंग हम जब ये चल जाएगा ना वंस क्रड पूरा सही, तो इसकी क्लीनिंग कर लेंगे हम। अच्छा जी, हमारे पास ये प्रोडक्ट कलेक्शन की जगह क्या आ गया, पोस्ट कलेक्शन आ गया, ठीक है। डॉट फाइंड मारा मैंने, कर्सर मेरे पास आ गया, मैंने कहा भाई टू एरे, ऑल प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिखूँगा अब, ऑल स्टोरीज, और मैंने डेटा के अंदर रख के इसको भेज दिया। अच्छा, मेरा जो फ्रंट एंड है वो इस तरह नहीं है, मेरा जो फ्रंट एंड अभी इस वक्त जो सेटअप हुआ हुआ है वो इस तरह के उस पर नहीं चल रहा होता, वो किस पे चल रहा होता है, यहाँ से मैं क्या देता था उसको, एरे देता था, सीधा 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 एरे उठा के देता था। तो मैं उसको मैच करने के लिए जो है ना, मैं क्या देता हूँ, यहाँ से भी सीधा सीधा एरे दे देता हूँ, बावजूद इसके कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट एंड को कुछ चेंज ना करूँ मैं, सही है, सिर्फ बैक एंड के ऊपर मैं इंजन को चेंज करूँ, और फ्रंट एंड जो मेरा सर्च बॉक्स वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें मैं उसी तरह से उसको यूटिलाइज़ करूँ। तो मैंने इंटरफेस को मैच करने के लिए ना जस्ट इसको डायरेक्ट यहाँ से मैंने एरे भेज दिया, ठीक है। अच्छा, इस एरे में मुझे चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी, चेंजेस मुझे ये करनी पड़ेंगी कि चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी, इसमें दो ही चीज़ आती है मेरे पास, टेक्स और वो है ना, तो वो तो उसी तरह होगा। एक इसमें एक एडिशनल चीज़ आती है, दैट इज़ अंडरस्कोर आईडी, इसमें एक एडिशनल चीज़ आती है, दैट इज़ अंडरस्कोर आईडी, तो वो शायद मुझे फ्रंट एंड पे जाके ज़रा सा चेंज करना पड़े, क्योंकि मैंने उसको एज अ इंडेक्स शायद पास किया हुआ है। लेकिन मैं अगर उसको चेंज करूँगा अभी, तो मैं क्या करूँगा, वो जो मैप का इंडेक्स होता है ना वो पास कर दूँगा मैं ये वाली काम इसमें पढ़ूंगा ही नहीं ना, ठीक है, ठीक है। फेल टू गेट स्टोरीज प्लीज़ ट्राई लेटर, तो ये मेरा गेट ऑल स्टोरीज़ की जो जो API थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको ये नीचे वाले सारे आइटम को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से सारा का सारा, ठीक है, ये गेट ऑल स्टोरी बन गई। अच्छा, ये कैसे बन गई है, ये बिल्कुल प्लेन MongoDB का जो कोड है ना, ये वो कोड इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर देयर इज़ नथिंग वेक्टर स्पेसिफिक, देयर इज़ नथिंग OpenAI स्पेसिफिक, इसमें कोई ऐसी जो है ना स्पेशल चीज़ नहीं है। अच्छा, ये सर्च वाले को अभी हम छोड़ देते हैं, सर्च वाला मैंने क्योंकि लास्ट में करना है, पहले क्रड को हम ज़रा परफेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है पोस्ट स्टोरी, ठीक है। पोस्ट स्टोरी के अंदर मेरे पास जो आता था यहाँ पे पहले टाइटल और बॉडी ना, ये दो चीज़ आती है मेरे पास ना, टाइटल और बॉडी आती है, मैंने कहा भाई टाइटल
बॉडी, सही है। अच्छा क्रिएटेड ऑन अगर मैं चाहूँ तो इसमें लगा दूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। न्यू डेट होता था ना, न्यू डेट इस तरह होता था मोंगो डीबी के अंदर, ठीक है। पाइन कोन में, पाइन कोन में भी यार सॉर्ट होगा कहीं ऑप्शन, लेकिन अभी फ़ायदा नहीं। इसमें तो एक्सप्लोर बड़े आराम से हो जाता है, ये इसमें तो सॉर्ट ये बड़े आराम से हो जाता है। मैं कहूँगा क्रिएटेड ऑन से सॉर्ट मारो, कर देगा ये, ठीक है। अच्छा बाई डिफ़ॉल्ट भी ये जिस सीक्वेंस में मैं ऐड करता हूँ ना, तो वो उसी सीक्वेंस में मुझे ला के देता है, ये सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करता, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको करना है कि यार आप ना कोई दूसरा एक नंबर है यहाँ पर, जैसे रोल नंबर है कोई किसी का, मैं कहता हूँ रोल नंबर से उसको सॉर्ट मार दो, तो वो हो जाता है बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। और उसको मैं करता कैसा हूँ, करता मैं इस तरह हूँ, आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे जो गेट स्टोरीज है ना, इसके अंदर ये जो डॉट फाइंड है, डॉट फाइंड के आगे मैं लगाता हूँ डॉट सॉर्ट, ये क्या किया मैंने, डॉट सॉर्ट लगाता हूँ मैं, इसको ऐसे हिट करता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ यूं, और मैं कहता हूँ भाई ऐसे करो अंडर स्कोर आई डी से ना माइनस वन मारो, यानी अंडर स्कोर आई डी से नेगेटिव सॉर्ट मारो, अपोजिट क्या उसको कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो डिसेंडिंग में ले आएगा। या मैं उसको बोलूँगा कि भाई क्रिएटेड ऑन से जो है ना नेगेटिव सॉर्ट मारो, तो वो सॉर्ट मार के ले आएगा, ठीक है। और एक्चुअली ये काम शायद मुझे करना भी है, ठीक है, लेकिन मैं इसको क्रिएटेड ऑन से नहीं करूँगा, स्टिल इस केस में मैं इसको क्रिएटेड ऑन से नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास अंडर स्कोर आई डी जो है ना वो मौजूद है, मैं अंडर स्कोर आई डी से करूँगा। क्यों करूँगा मैं, हाँ ये टाइम स्टैम्प ही है जो डेट मैंने किया है ना, नहीं 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 जब मैं नया डेटा ऐड करता हूँ ना मोंगो डीबी में, तो ये जो अंडर स्कोर आई डी बनाता है ये, इसमें ये टाइम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये टाइम बेस आई डी है, और ये आई डी हमेशा लेक्सिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुई भी होती है ना, यानी कि जो आप अभी एक पोस्ट ऐड करते हो और आप एक सेकंड के बाद जो ऐड करोगे, तो ये लेक्सिकल ऑर्डर में सॉर्ट होगा ये, ठीक है। आप इसको अपोजिट करोगे तो अपोजिट होके आएगा, नहीं करोगे तो सीधा सीधा आएगा। अच्छा मैं इसको क्रिएटेड ऑन से करता या मैं अंडर स्कोर आई डी से करता, तो इसमें क्या फ़र्क है, कौन बताएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में यहाँ पे। अंडर स्कोर आई डी के ऊपर इंडेक्सिंग हुई भी है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जिस चीज़ पे हुई भी होती है, उससे अगर हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो फास्ट होता है, जिस पे इंडेक्सिंग नहीं हुई भी होती है उसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं वो फास्ट नहीं होता। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो अंडर स्कोर आई डी के ऊपर इंडेक्सिंग हुई भी होती है मोंगो डी बी में, ठीक है। हमने फाइंड बाई आई डी करके देखा था ना, इसी क्लास में डिस्कस हुई है ना ये बात, या नहीं हुई है, बबल सॉर्ट हमने डिस्कस किया था, जो बाइनरी सर्च हमने डिस्कस किया था, उस पॉइंट पे मैंने ये सारी बातें बताई थी। बाइनरी सर्च मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो बस बाइनरी सर्च ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने डिस्कस ना किया, मोंगो डीबी का करड मैंने बनवा दिया, बाइनरी सर्च मैंने डिस्कस किया होगा, चलो नहीं किया तो बता देता हूँ मैं। देखो सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं कि जी मेरे पास अगर एक डेटाबेस है, डेटाबेस की बात नहीं है, कहीं पे भी मेरे पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 मिलियन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब उससे मैंने कोई चीज़ फाइंड करके लानी है, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करके लाऊंगा, अभी एक सवाल है ना कि मैं फाइंड करके कैसे लेकर आऊंगा। तो उसका तरीका होता है कि जी अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं, अलग अलग मेरे पास सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मैं एफिशिएंटली उसको गेट करता हूँ, ठीक है। उसी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है कि जी 1 मिलियन रिकॉर्ड है ना, एक तो होता है जो आप सोच रहे होंगे अभी, जो बेसिकली जो बंदा सबसे पहला जिस तरफ जहन जाता है उसको कहते हैं हम लीनियर सर्च, कि भाई पहला रिकॉर्ड उठाऊंगा मैं, मैच करूंगा कि मेरे मतलब का माल है या नहीं है, होगा तो ले आऊंगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। अब इस तरह एक एक करके मैं 0 से लेके 1 मिलियंथ रिकॉर्ड तक आइट्रेट करूंगा पूरे पे, इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो इसमें जो बेस्ट केस होगा वो ये होगा कि हो सकता है पहले दफ़ा ही में मिल जाए, और हो सकता है बिल्कुल आखिरी दफ़ा में मिले, ठीक है। तो ये बेस्ट केस और वर्स्ट केस इसमें ये होगा, ठीक है। अच्छा बाइनरी सर्च के अंदर ना इस तरह नहीं होता, बाइनरी सर्च के अंदर क्या हो, अच्छा तो अब इसमें मैक्सिमम जो मेरी आइट्रेशन होगी ना वो 1 मिलियन दफ़ा घूमेगा तो लाएगा। बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है कि 1 मिलियन रिकॉर्ड में से मुझे कोई एक रिकॉर्ड चाहिए, तो वो मैं 15 या 16 आइट्रेशन के अंदर मैक्सिमम वो जो मिल जाता है वो, ठीक है, इससे ज़्यादा आइट्रेशन उसके अंदर नहीं लगेगी मेरी, ठीक है। अब वो उसकी कैलकुलेशन है कि वो किस तरह आइट्रेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा ये वाला टॉपिक अगर किसी ने मज़ीद एक्सप्लोर करना हो तो इसको हम पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट होता है,
ठीक है, जो DSA भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहिए, पढ़ाते भी हैं कुछ लोग थोड़ा बहुत, ठीक है, अब जो पढ़ाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ाते हैं तो आप उन पर डिपेंड ना करें, आप उसको खुद से पढ़ लें, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो DSA, वो आप जाके यूट्यूब पे उसको देख लें, जो यानी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है पूरा, वो आप लोगों ने बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। एक LMT करके एक चैनल है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है इन चीज़ों को। तो आप डेटा स्ट्रक्चर जाके वहाँ से पढ़ें, आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन पे, तो वो मतलब 8-10 लेक्चर होते हैं उसके, 10-10 मिनट के होते हैं, तो उसमें आप यानी पूरा DSA आपको वो समझा देगा, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे उसने जो है ना अपने पास किए हुए हैं, और हर साल उसका एक नया एडिशन बनाता है, यानी डेटा स्ट्रक्चर का हर साल वो 10 वीडियो अलग से डालता है, जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता है ना उस टाइम पर डाल रहा होता है वो, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो तो बाइनरी सर्च जो है वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी 15-16 आइट्रेशन में वो लेकर आ जाता है, 1 मिलियन रिकॉर्ड उसमें से भी निकाल के ले आता है, लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि उसके अंदर डेटा मुझे हमेशा सॉर्ट करके रखना पड़ता है। डेटा मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करके रखना पड़ता है। अगर मेरा डेटा सॉर्टेड नहीं है तो उसके ऊपर बाइनरी सर्च नहीं चलेगा, मैं चला नहीं सकता, उसकी रिक्वायरमेंट है कि डेटा सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा डेटा सॉर्ट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले सॉर्ट करता हूँ मैं, सही है, पहले मैं सॉर्ट उसको करता हूँ और उस सॉर्ट करने के बाद मैं उसके ऊपर सर्च चलाता हूँ, ठीक है। तो डेटा बेसिस के अंदर जो इंडेक्सिंग जिस चीज़ को कहते हैं ना, असल में वो सॉर्ट होता है। तो मेरा डेटा बेस जो है वो सॉर्ट, अच्छा अब तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा बेस है, अब उसको मैं सॉर्ट कैसे करूँ, ऑब्जेक्ट को कैसे सॉर्ट करूँ मैं, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की एक की उठा लेते हैं, उस की को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। और आइडियल केस जैसे मोंगो डीबी वालों ने किया हुआ है, आइडियल केस ये है कि मोंगो डीबी की एक ऐसी की हो जो मोंगो डीबी खुद जनरेट करता हो, एक ख़ास अंदाज में जनरेट करता हो, तो वो अंडरस्कोर आईडी इन्होंने खुद जनरेट की होती है, और उसको ये जब नई आईडी जनरेट करते हैं ना, तो उसको सॉर्टेड रखने के लिए 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं इनकी। एक तो स्ट्रैटेजी ये है कि जी वो ऐसा किया हुआ है कि वो होता ही यूनिक है, फिर दूसरा टाइम को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो टाइम को इन्वॉल्व करने के बाद ना, इसकी जो यूनिकनेस है उसको 99.5% काइंड ऑफ यकीनी बनाते हैं कि ये यूनिक हो, ना सिर्फ उस कलेक्शन के अंदर बल्कि उस डेटाबेस के अंदर, बल्कि तमाम डेटाबेसेस के अंदर, उस क्लस्टर में मौजूद जितने भी डेटाबेसेस हैं उन तमाम डेटाबेसेस के अंदर ना ये जो अंडरस्कोर आईडी है ये यूनिक होती है, ठीक है, और ये सॉर्टेड होती है। तो इसके ऊपर चलता है बाइनरी सर्च। अच्छा, बाइनरी सर्च कैसे चलता है, बाइनरी सर्च ऐसे चलता है, आप समझ लें कि मेरे पास रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है, 1 मिलियन रिकॉर्ड है मेरे पास, वो सारे नंबर्स हैं। अच्छा, मुझे अब एक क्वेरी आती है कि जी नंबर 56 कहाँ पे पड़ा हुआ है, नंबर 56 मुझे कहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये याद रखें कि डेटा मेरा क्या है, सॉर्टेड डेटा है, ठीक है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है ना, तो उसमें हो सकता है कि 200-250 उसके अंदर ज़ीरोज़ हों, है ना, 200-250 उसके अंदर वनज़ हों, फिर टूज़ हों उसके अंदर, है ना। तो जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे शुरू में होंगे, फिर उसके बाद वो वनज़ होंगे, अगर वन है उसके अंदर तो, ठीक है, अगर वन नहीं है तो नहीं होंगे, फिर उसके बाद थ्रीज होंगे, फिर फोर्स होंगे सारे, फिर इस तरह, तो जितने भी ना, फिर मेरे पास नंबर 49 भी होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं, मेरे पास नंबर 89 भी होगा, 85 भी होगा। अब मैंने तलाश करना है नंबर 65 उसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, उस पूरे 1 मिलियन रिकॉर्ड के दरमियान से उसको उठाता हूँ एक वैल्यू, दरमियान से उसको उठाता हूँ एक वैल्यू, और मैं चेक करता हूँ कि क्या यही तो नहीं है 65, जो कि नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, पहली दफ़ा में तो हमेशा वो नहीं होगा, ठीक है। एक रैंडमली उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार यही है तो ले आओ, अगर 65 यही है तो ले आओ। अच्छा, अगर 65 ये नहीं है तो फिर कहाँ है 65, या तो इसके लेफ्ट पे होगा या तो इसके राइट पे होगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये कैसे पता लगेगा मुझे, वो नंबर अगर 65 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि 65 इधर होगा, इस साइड होगा, और अगर वो नंबर 65 से छोटा है तो इसका मतलब है कि 65 उस साइड होगा। तो मैं आधे एरे को एलिमिनेट कर देता हूँ इस क्राइटेरिया के ऊपर। अब वो 1 मिलियन में से मेरे पास रह गया अब आधा मिलियन। अब आधे मिलियन के ऊपर मैं दोबारा ये चीज़ परफॉर्म करता हूँ, दोबारा दरमियान से एक वैल्यू उठाता हूँ, मैं कहता हूँ क्या ये 65 है ना, अगर तो यही 65 है तो ले आओ, और इसका इंडेक्स मुझे पता लग जाता है कि कौन सा इंडेक्स है। अगर ये नहीं है 65 तो ये 65 से छोटा है या बड़ा है, अगर ये 65 से छोटा है तो इसका मतलब है 65 इधर होगा, और अगर ये 65 से बड़ा है तो इसका मतलब है 65 इधर होगा, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर मैं क्या करूँगा, आधा एरे दोबारा रिमूव कर दूंगा। अब आधे मिलियन में से भी मेरे पास आधा मिलियन रह गया, यानी कि क्वार्टर मिलियन रह गया मेरे पास,
ठीक है, अभी मेरे पास 3 आइट्रेशन हुई है और मैंने तकरीबन वन पास जो 1¼ मिलियन उड़ा दिया मैंने। नहीं ना, 65 मैं उठाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि 65 है या नहीं है। सिक्सटी फाइव नहीं उड़ेगा ना, अगर मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यू है मेरे पास ज़ीरो यहाँ से चल रहा है ना, ज़ीरो ऐसे चल रहे हूँ, तो अगर ये वैल्यू मैंने उठाया तो ये वैल्यू अगर 65 नहीं है तो ये क्या है? ये 65 से छोटा है? अगर छोटा है तो इसका मतलब है 65 इधर है कहीं, तो मैं इधर वाले को रखूँगा ना, कैसे उड़ जाएगा वो? उड़ ही नहीं सकता, मैं इधर वाले को उड़ाऊँगा। अगर ये 65 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो यहाँ से चल रहा है, अगर ये 65 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि 65 इस साइड है, तो मैं इस वाले को रखूँगा, इधर वाले को उड़ा दूंगा। तो मैं मतलब सेंटर से उठा के राइट लेफ्ट में से कोई एक एरे उड़ा दूंगा, दूसरे को रख लूँगा मैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ये एरे छोटा होते 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 ये एक पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो वर्स्ट केस होगा ना, वो ये होगा कि एक तक पहुँचना पड़े मुझे, और ये 15-16 आइटरेशन के अंदर ये हो जाएगा 1 मिलियन रिकॉर्ड में, ठीक है जी। यार सर्चिंग परफॉर्म होती है जब मोंगो डीबी पर रिक्वेस्ट जाती है ना आपकी, तो मोंगो डीबी के ऊपर ना एक कंप्लीट सर्वर चल रहा होता है, ठीक है, जिसको हम डेटाबेस सर्वर कह सकते हैं, सर्वर नहीं कहते उसको, एक्चुअली डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। डेटा के साथ जो ये बेस लगा हुआ है ना, ये असल में उसका घर है डेटाबेस का, सही है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ सर्वर। तो डेटा के साथ जो ये बेस लगा हुआ है, वो डेटाबेस उसके रहने की जगह है डेटा की। तो उस डेटाबेस के अंदर जो है वो प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होता है और हार्ड ड्राइव भी होती है, ठीक है। और उस डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी क्या है, हार्ड ड्राइव की स्पीड क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर कितनी रैम और कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, इस पर डिपेंड करती है मेरी टोटली जो है ना क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है मेरा, ठीक है। मेरे पास जितना ज़्यादा प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा जल्दी मेरा क्वेरी का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और अभी हम ये अभी एग्रीगेशन चलाएंगे हम, कुछ तो क्वेरीज होती हैं वो सीधी सीधी मैं एक वैल्यू भेजता हूँ, उसके अगेंस्ट मैं एक डॉक्यूमेंट मंगवा लेता हूँ। एक होता है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये डेटा लो और उधर जाओ, और उधर जाके ना सम टाइम मैं करता हूँ कि 2-3 कलेक्शन से डेटा मंगवाता हूँ, मैं कहता हूँ एक जगह रखो इसको, इसके ऊपर लूप चलाओ, लूप चला के ये वैल्यू हटा दो इसमें से, ये वैल्यू लेकर आ जाओ। तो सम टाइम बाकायदा मैं उसको एक टास्क देता हूँ पूरा उस डेटाबेस को, कि मैं कहता हूँ यार ये है तुम्हारी क्वेरी, फला फला जगह से डेटा लाओ, उसको इकट्ठा करो एक जगह, इकट्ठा करने के बाद उसमें कुछ फॉर लूप वगैरह ये चीज़ें भी मैं चला सकता हूँ, सही है, डेटाबेस के अंदर। ये इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन, मतलब खुला नहीं चला सकता, जो डेटाबेस ने अलाउ किया हुआ उस तरह से चला, जैसे सॉर्टिंग वगैरह हो रही होती है जो असल में, तो वो कैसे होती है, वो इसी तरह होती है कि डेटाबेस के अंदर मेरी रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से वो पहले डेटा लाता है, डेटा ला के उसको सॉर्ट करता है, सॉर्ट करके फिर मुझे देता है लाके। तो अगर मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है अगर, तो ज़ाहिर है मेरी जो रैम है उस डेटाबेस के अंदर जो वो यूटिलाइज़ हो रही होती है, प्रोसेसर यूटिलाइज़ हो रहा होता है। हम जब मोंगो डीबी के ऊपर अकाउंट बना रहे होते हैं, मोंगो डीबी एटलस के ऊपर, तो वो मुझसे क्या बोलता है कि फ्री में जो दे रहे हैं ना आपको हम, वो है 512 MB का डेटाबेस, और उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड हैं, ठीक है। उसमें बोलता है कि प्रोसेसर जो है वो शेयर्ड है, प्रोसेसर आपका ज़ाती नहीं है उसके अंदर, डेडिकेटेड नहीं है, सही है, एक ही प्रोसेसर है जो मल्टीपल डेटाबेसेस एक ही प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होगा क्या है कि जो दूसरे डेटाबेसेस हैं उस पर अगर लोड बढ़ता है तो आपका भी डेटाबेस स्लो डाउन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डेटाबेस है ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोंगो डीबी एटलस पे करें, ये आप अपने घर पे भी होस्ट कर सकते हैं, सही है। आप अपनी एक सर्वर मशीन तैयार करेंगे और यहाँ से मोंगो डीबी का जो डेटाबेस का पूरा सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ सर्वर, है ना, डेटाबेस जो होता है असल में काइंड ऑफ अ सर्वर होता है। तो वो आप डाउनलोड करते हैं, उस पूरे को डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद ना एक मोंगो डी करके एक फ़ाइल होती है, उसको आप रन कर देते हैं। बस वो रन होती है फ़ाइल, तो आपका सर्वर एक सर्टन पोर्ट के ऊपर आपका सर्वर चल जाता है, लोकल लोकल मशीन के ऊपर, ठीक है। अब उस लोकल मशीन को आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करें, जैसे भी आपका दिल करता है उसमें स्टेटिक आईपी लगा दें, जो भी आप करके उसको एक्सपोज कर दें, अब उस आईपी पे जो भी रिक्वेस्ट मारेगा आपका डेटाबेस एक्सेस हो रहा होगा, ठीक है। या तो उसको आप डोमेन से कनेक्ट मार दें, जैसे आपका दिल करे, वो अब आपका है, आपके लोकल होस्ट के ऊपर है, आप जो जो कर सकते हैं उससे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर पे भी ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस कहते हैं उसको, तो ऑन प्रेमिसेस भी लगा सकते हैं। हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं क्लाउड वाला, क्लाउड वाला इसलिए कर रहे हैं कि सस्ता है, ठीक है। अपने घर के ऊपर ना अगर आप लगाओगे ना, इतू सा रसबरी पाए भी अगर लगाओगे आप,
रसबरी पाए के ऊपर भी अगर आपने कोई चीज़ लगा के होस्ट की हुई है ना अपने घर के अंदर आपने, तो वो आपको महंगा पड़ेगा क्लाउड की नस्बत, क्लाउड के मुकाबले में आपको वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, क्यों महंगा पड़ेगा? कम से कम 1500 रुपये इंटरनेट के तो दे ही रहोगे ना। चलो वो अपने यूज़ का इंटरनेट है, उसी पे आपने चिपका दिया, वो बात अलग है, लेकिन उस पर ट्रैफिक आएगा तो वो काम थोड़ी करेगा, वो तो रो देगा। ट्रैफिक एक साथ उसके पास आ गया तो रो देगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। अब प्रैक्टिकल चीज़ अगर आप लगाते हो ना रसबरी पाए के ऊपर भी अगर, तो वो आपको मतलब 1500 में तो क्लाउड मिल जाता है यार, 1500 महीने में, उससे कम में मिल जाता है। $5 कितने बनते हैं अभी? 1500 ही बनते हैं। तो 1500 $5 में तो पूरा डिजिटल ओशियन पूरा अपना वो दे देता है आपको, यानी 512 MB की पूरी मशीन दे देता है, बोलता है चलाओ उस पर जो चलाना है, डिजिटल ओशियन करके क्लाउड। ठीक है, या मैंने अगर गूगल क्लाउड के ऊपर किया हुआ है, तो गूगल क्लाउड पर तो 512 MB की जो एक मशीन है शेयर्ड प्रोसेसर वाली, उसके तो कोई पैसे भी नहीं है, फ्री है वो, जो तुम लोगों ने जिस पे ऐप इंजन के ऊपर डिप्लॉय किया था, तो वो ऐप इंजन तो फ्री है। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस की हम बात करें, तो डेटाबेस 512 MB का तो फ्री है MongoDB एटलस में। ठीक है, शेयर्ड प्रोसेसर जो इसका है ना, वो मेरे घर पे जो रसबरी पाई लगा हुआ है उससे तो ज़्यादा ही है। घर पे अगर मैं रसबरी पाई लगाता हूँ ना, 15,000 की पता नहीं 20,000 की हो गई है अभी रसबरी पाई, अभी डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से, तो 20,000 का मैं रसबरी पाई खरीदूँगा, साथ में 1500 महीने के मैं इंटरनेट वाले को दूंगा, तो इतने पैसों में तो पता नहीं सालों साल मैं गूगल क्लाउड चलाऊंगा, वो ख़त्म नहीं होंगे ये पैसे जो मैंने एक रसबरी पाई के ऊपर लगा दिया। फिर उसमें भी रसबरी पाई में भी कार्ड ख़राब हो जाता है भाई, मेमोरी कार्ड की एक लाइफ होती है, मेमोरी कार्ड छोटा वाला जो है ना वो बिल्कुल बेकार होता है इस मामले में, उसके पास ज़्यादा रीड राइट होता है ना, वो ठंडा हो जाता है कैमरे के अंदर, जब भी बड़ा वाला कार्ड लगता है वो, यानी क्लास 10+ बोलते हैं कि लगाओ इसके अंदर। अब छोटे वाले में तो आता ही पता नहीं, क्लास 10 आखिरी है उसका छोटे वाले का, तो वो तो भाई फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो रसबरी पाई में ये सबसे बड़ा फ्लॉ है एक, कि उन्होंने ना SSD कनेक्ट करने का उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, पावर सेविंग की वजह से पता नहीं किस वजह से, उनको चाहिए वो SSD कनेक्ट करने का ऑप्शन दे दें फौरी तौर पर, क्योंकि वो जो छोटी SD कार्ड है ना वो बिल्कुल बेकार है, आप किसी भी प्रोडक्शन में उसको डालते हो वो कार्ड करप्ट हो जाता है। सही है, या तो अगर बहुत अच्छा वाला आप कार्ड लगाते हो, जैसे सैंडिस्क का कार्ड है या सैमसंग का कार्ड है, तो वो भाई मिसाल के तौर पर अगर आप 32 GB का कार्ड लेते हो, तो पता नहीं 8-10 हज़ार का कार्ड भी है फिर, वो 32 GB का जो कार्ड है अच्छा वाला, और जो क्लास 10 है सैमसंग का जो ओरिजिनल कार्ड है या सैंडिस्क वालों का है। बाकी ये किंगस्टन विंगस्टन जो है या चाइनीज़ कंपनी जो है, इसका तो मिल जाता है 500-600 में मिल जाता है कार्ड, लेकिन वो बिल्कुल बेकार होता है, उसको लगाना नहीं लगाना एक ही बात है। तो वेल, हमने ये देखा कि क्लाउड के ऊपर जो है ना आप कोई भी चीज़ होस्ट करोगे तो वो आपको पैसों में सस्ती पड़ेगी, लाजमी सस्ती पड़ेगी। ठीक है, ऑन प्रेमिसेस हमेशा आपको महंगा पड़ता है, फिर ऑन प्रेमिसेस वाले पे आपको बंदा बंदा भी रखना पड़ता है भाई, देखे उसको वो बंदे की सैलरी, भाई अगर अमेरिका के अंदर ये बंदा रख लिया मैंने ऑन प्रेमिसेस क्लाउड लगा के, बंदा रख लिया और वो भी टेक्निकल बंदा, तो $20 तो भंगी को देना पड़ता है वहाँ पे, उससे कम तो दे नहीं सकते आप ना, $20 मिनिमम वेज है वहाँ, उससे कम आप दे नहीं सकते। तो $20 के हिसाब से पता नहीं 4-4.5 हज़ार डॉलर महीने के ये बनते हैं, कि जी एक बंदा होगा वो भी 8 घंटे के लिए होगा, 24 घंटे रखना है तो 3 शिफ्टें होंगी, तो आप 5-5 हज़ार करके 3-15 हज़ार डॉलर ये चलेगा महीने के मेरे। सही है, तो ऑन प्रेमिसेस में बहुत सारी ये मसले मसाइल हैं। फिर जाहिर है कमर्शियल बिल्डिंग आपको चाहिए होती है, अगर ऑन प्रीमिसेस आपने लगाया हुआ ना, चलो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो लोग मतलब अपने जान नौकरी करने जाते हैं ना ऑफिस में, वहाँ पे जाके माइनिंग की मशीन ठोक देते हैं, कहते हैं यार सर्वर रूम है वहाँ पे, इतने सारे कंप्यूटर तो लगे हैं, मेरा भी एक चल जाएगा तो क्या होगा। अबे साले, वहाँ जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सारे मिल के 1000 वाट लेते हैं, तेरा एक पता नहीं 5000 वाट ले रहा है, ये इतना बड़ा रिग लगा दिया है, एक 5000 वाट ले रहा है, तो मतलब हमारे चल जाता है हमारे यहाँ ये। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं ना, कोई सर्वर वगैरह ऑन प्रीमिसेस डेटाबेस लगाया हुआ है और मतलब प्रॉपर लगाया हुआ है अगर, तो वो आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि जी आप इसके लिए जो ना कमर्शियल एक्टिविटी है तो कमर्शियली आप चीज़ों को हैंडल करें, चेक एंड बैलेंस है भाई वहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ तो टॉरेंट वगैरह भी हम कर लेते हैं ना बड़े मज़े से, वहाँ पर तो टॉरेंट नहीं करते भाई, वो पायरेटेड वेबसाइट वगैरह से बड़ा डरते हैं वो क्योंकि वहाँ कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता है लेकिन कभी कभी ना वो घर पे भी आ जाते हैं उड़ते हुए, बोलते हैं अरे यार आपके घर से टॉरेंट अपलोड हुआ है, टॉरेंट आप अपलोड कर रहे हो अपने घर से बैठ के, कोई मूवी आई है आपने टॉरेंट पे अपलोड की है, तो ज़रा वो फिर VPN VPN लगा के ना ज़रा सिक्योर तरीके से करते हैं, वरना ज़रा मसला पड़ जाता है उनको फिर। वेल, तो हमारे पास क्या आ चुका है जी, ये मैंने सॉल्ट इसके ऊपर लगा दिया, इसकी शायद मुझे ज़रूरत भी थी तो इसको मैं लगा रहने देता हूँ।
अच्छा जी, मेरे पास गेट की जो एपीआई कंप्लीट हो गई है, सर्च की मैं बाद में देखूंगा। मेरे पास जो पोस्ट की एपीआई है उसको अब मैंने कंप्लीट करना है। टाइटल और बॉडी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। चलो यार, ये वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत तो शायद नहीं, हटा देता हूँ उसको मैं। मुझे असूलन यह करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है, टू कीप माई कोड क्लीन, दैट्स इट। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले कि सर्वर पे वैलिडेशन लाजमी है। अगर आपने फ्रंट एंड पे लगा दिए वैलिडेशन, वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है, वो सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए जो वैलिडेशन लगती है वो हमेशा सर्वर के ऊपर लगती है आपके। क्या मतलब? अबे क्या नाम रखा था मैंने कलेक्शन का? पोस्ट कलेक्शन, यस। टाइम स्टैम्प क्या कह रहे हो? यार मोंगो डीबी में ना, एक तो उन्होंने ये तरीका बताया है, फायरबेस के अंदर टाइम स्टैम्प होता है और उसी में सिर्फ होता है ये। इसमें भी होता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली होता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सही है, इसमें भी होता होगा। तो भाई एक तो इसके अंदर ये वाला तरीका है, एक तो इसके अंदर ये वाला तरीका है। दूसरा, अगर मैंने इसके अंदर यहाँ से ना मेरे सर्वर की डेट उठ के जा रही है, अगर मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस की डेट हो, तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट हमने सर्च किया था तो हमें नज़र नहीं आया था। वो इसी क्लास में ही हमने सर्च किया था ना लास्ट, कि यार टाइम स्टैम्प वाला कोई ऐसा आइटम हो कि इस वक्त डेटाबेस के अंदर जो टाइम है वो उठा ले, मेरे सर्वर से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो अरे नहीं, वो भी यही होता है, वो खुद भी यही होता है भाई, अंदर उसके यही हो रहा होता है। देख लेते हैं ना आगे, यहाँ पे हम हाउ टू इम्प्लीमेंट मोंगो डीबी टाइम स्टैम्प। अच्छा, न्यू टाइम स्टैम्प करके ये कह रहा है, ऐसे कर लो। सिंटेक्स नंबर वन, एग्जीक्यूट द अबव सिंटेक्स विल स्टोर द सिस्टम्स करंट टाइम एंड डेट विद इन द डॉक्यूमेंट। रिटर्न द आईएसओ डेट। अच्छा, ये कह रहा है कि यार हर ऑब्जेक्ट के साथ ना वो कब स्टोर हुआ है उसका टाइम स्टैम्प पहले से ही उसमें ये डाला हुआ होता है, हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। वो ये कह रहा है, ठीक है, टी एस इक्वल्स टू न्यू टाइम स्टैम्प। लेकिन ये न्यू टाइम स्टैम्प ये चलेगा, मतलब आएगा कहाँ से? रिक्वायर करना पड़ेगा ना इसको। इसको हम अलग से ज़रा मोंगो डीबी पे सर्च कर लेते हैं ना, मोंगो डीबी के डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं, हाउ टू इंसर्ट मोंगो डीबी टाइम स्टैम्प एंड दिस दिस दिस। ठीक है, जैसे ये करते हैं ना, सिस्टम टाइम स्टैम्प लगा देते हैं। इसने भी बोला कि यार न्यू टाइम स्टैम्प करके लगा दो। अ लिटिल लेट टू द गेम बट द रिसेंट रिलीज ऑफ मोंगो डीबी हैव करंट डेट, डॉलर करंट डेट। हाँ ये आ गया, यही हम लास्ट ढूंढ रहे थे, मिला नहीं हमें, अब मिल गया। लेकिन इसने बोला भाई द करंट डेट ऑपरेटर हैज़ द फॉर्म करंट डेट फील्ड और टाइप स्पेसिफिकेशन। अब टाइप स्पेसिफिकेशन में इसके पास क्या है? टाइप टाइम स्टैम्प है, टाइप डेट है। टाइम स्टैम्प जो होगा वो नंबर होगा शायद, और जो डेट होगा वो आईएसओ फॉर्मेट में जो है ना डेट होगी इसकी। बिहेवियर एग्जांपल, लास्ट मॉडिफाइड में ये आईएसओ डेट आ रहा है इस तरह। सही है, अपडेट करते हुए आप किस तरह अपडेट करोगे? आप लगाओगे कैंसिलेशन डेट और टाइप इक्वल्स टू टाइम स्टैम्प, ऐसे करके लगाओगे आप। सही है, करंट डेट आपने की और टाइम स्टैम्प लगा दिया, तो हम भी लगा देते हैं ये वाला अपने पास, ठीक है। करंट डेट हम भी लगा देते हैं लगे अपने पास, देखते हैं फिर वो रिटर्न में क्या क्या लेकर आता है, पता लग जाएगा हमें। करंट डेट लगा दिया मैंने, और मैंने उसको बोला कि क्रिएटेड ऑन है, ये क्या इसने बोला कि क्रिएट नहीं, करंट डेट में इसने जो बताया था वो तो सिर्फ टाइप बताई है ना इसने। यहाँ पे क्या बोला था इसने कि फील्ड होगी और टाइप स्पेसिफिकेशन वन होगी। अच्छा, क्या कह रहा है जी यार,
बूलियन ट्रू टू सेट द फील्ड वैल्यू टू द करंट डेट एज पर डेट और दिस दिस दिस। अच्छा, वो कह रहा है कि यार यहाँ पे जो आप बात लिखोगे ना, जिसके आगे ये ट्रू लिखा हुआ है, ये बस इसके फील्ड का नाम होगा ये, ठीक है। अच्छा, क्रिएटेड ऑन के नाम से तो मैं एक फील्ड बना चुका हूँ ना, तो चलो इसको हटा देते हैं क्रिएटेड ऑन को। ये मेरा क्रिएटेड ऑन अब बन गया है, ऐसे करके बन गया वो, ठीक है। यार ये मुझे कुछ चीज़ हजम नहीं हुई कि ये कैंसिलेशन डॉट डेट फिर आखिर में क्यों लगाया हुआ है। डेट इक्वल टू टाइम स्टैम्प, ये तो पुराना तरीका आ गया। ये तो मैं उसी डॉक्यूमेंट में आ गया घूम के दोबारा। इंसर्ट कहाँ है, मुझे वही तो नज़र नहीं आ रहा। अरे हाँ ये रहा। नहीं मगर ये तो लास्ट मॉड, ये तो वो वाला दे नहीं रहा ना, यानी करंट डेट वाला ऑपरेटर ही नहीं लगाया ना इसने इंसर्ट करते हुए, तो करंट डेट वाला तो ऑपरेटर ही नहीं लगाया ना इसने। द करंट डेट ऑपरेटर हैज़ द फॉर्म, ठीक है। वो कह रहा है ऐसे होगा करंट डेट, और उसके अंदर होगी फील्ड होगी और टाइप स्पेसिफिकेशन होगी, टाइप स्पेसिफिकेशन वन होगी ये, सही है। अच्छा कह रहा है कि टाइप स्पेसिफिकेशन कैन बी आइदर, यहाँ पे तो फील्ड का नाम आ गया, कैन बी आइदर अ बूलियन टू सेट द फील्ड वैल्यू टू द करंट डेट एज पर डेट और अ डॉक्यूमेंट, सही है। यहाँ पे या तो ट्रू हो सकता है या तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। अच्छा डॉक्यूमेंट क्या होगा, टाइप इक्वल्स टू टाइम स्टैम्प, ठीक है, और टाइप इक्वल्स टू डेट, ये हो सकता है। तो बस मैं ट्रू रख देता हूँ, मैं बस ट्रू रख देता हूँ, मुझे सेकंड वाला रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विच एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द टाइप, द ऑपरेटर इज केस सेंसिटिव एंड एक्सेप्ट ओनली द लोअर केस टाइम स्टैम्प, ठीक है। कह रहे हैं टाइम स्टैम्प एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए और द लोअर केस डेट। अच्छा लेकिन इसने टाइम स्टैम्प का और डेट का बिहेवियर नहीं बताया, तो मेरे केस में मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि मैं ये सेकंड वाले को हटा दूँगा, ठीक है, ये सेकंड वाले को मैं हटा दूँगा, बस ये इतना मेरे लिए इनफ है। ये डेट देगा, आई थिंक ये डेट देगा ट्रू में ना, डेट इसने लगा दिया है कि अभी। अब अच्छा ISO वाला डेट अगर रखे तो वो सही है, ISO वाला डेट अगर मुझे वो दे देता है डेटाबेस का उठा के दे देता है तो सही है। बिहेवियर में हम आके देख लेते हैं ना डेट और में उसमें क्या फ़र्क है। एग्रीगेशन अल्टरनेटिव जो है वो करंट डेट ऐसे करके है, स्टार्टिंग 4.2 अपडेट दिस दिस दिस, ठीक है। एग्रीगेशन अगर कर रहे हैं तो उसको इस तरह करके लगाना होगा हमें। चलो अभी हम पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कर रहा है वो। अच्छा जी मैंने क्रिएटेड ऑन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। पोस्ट मेरी क्या हो गई, रेडी हो गई, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, और इसको मैं पोस्ट कलेक्शन में इंसर्ट वन करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट मारता हूँ मैं, और रिजल्ट जो भी आता है मेरा मैं बोल देता हूँ कि जी क्रिएटेड प्रोडक्ट। अच्छा मेरी API क्या थी पहले, मेरी API से पहले क्या जाता था, मैसेज ही जाता था एक अदद, ठीक है, मैसेज ही जाता था मेरे पास। मैंने अगेन यहाँ पे से क्या भिजवा दिया, मैसेज भिजवा दिया, ठीक है, मैसेज मैंने भिजवा दिया ऐसे करके। स्टोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा ये नीचे जो पाइन कोन वाला माल था सारा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसमें वेक्टर में कन्वर्जन यहाँ नहीं होगी, ओपन AI होगी यहाँ नहीं होगी, लेकिन सही है यहाँ पे जो बिल्कुल प्लेन होगा। अच्छा आप इससे नोट करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जिसमें टाइम लगेगा, सही है। ऐसा कोई यहाँ पे काम नहीं किया मैंने जो टाइम एक्सपेंसिव है या रिसोर्स एक्सपेंसिव, कोई काम मैंने यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे मैंने सीधा सीधा जैसे MongoDB में इंसर्ट मारते हैं ना, वैसे मैंने सीधा सीधा इंसर्ट मार दिया। अभी करेंगे, अभी इसको अभी रुक जाओ, अभी करड़ पूरा करते हैं फिर सर्चिंग की तरफ आते हैं, एक एक करके करते हैं, सही है। एक साथ करूँगा तो फिर मसला हो जाएगा तुम लोगों के लिए, मसला तो खैर अभी भी हो जाएगा, इतना इजी करके बताने के बावजूद भी मसला हो जाएगा, ये मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ,
और मसला हुआ या नहीं है ये पता लगाने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपका अगर हुआ हुआ है टास्क तो मतलब मसला नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो मतलब मसला हो गया। तो देखते हैं कि मसला होता है या नहीं होता है। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी के अंदर जो है मैं क्या कर लेता हूँ, आई डी उठा लेता हूँ, और मेरे पास क्या आ चुकी है यहाँ पे, आई डी आ चुकी है। और वैलिडेशन में मैं मे बी लगा लेता हूँ कि जी क्या था मेरा टाइटल और टेक्स्ट था ना, वैलिडेशन तो मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। सही है, वैलिडेशन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। प्रोडक्ट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको मैं कह देता हूँ स्टोरी। सही है, कंट्रोल डी, ठीक है। मैंने कहा यार स्टोरी के नाम से अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल हो तो टाइटल यहाँ लगा दो, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल के साथ क्या था, बॉडी, बॉडी अगर हो तो यहाँ लगा दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मेरे केस में नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। अच्छा, और फिर मैंने कहा कि जी प्रोडक्ट डेटा जो है, प्रोडक्ट कलेक्शन नहीं है मेरा आपकी बार, पोस्ट कलेक्शन है, ठीक है। मैंने कहा पोस्ट कलेक्शन डॉट अपडेट वन क्या करोगे आप, आईडी के थ्रू अपडेट मारोगे, सही है, पैराम्स के अंदर जो है, और सेट कर दोगे आप ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि स्टोरी, सही है, आप ये सेट कर दोगे स्टोरी, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स आता है मेरा, इसमें मैं क्या लगाऊंगा, अपडेट रिस्पॉन्स, आर ई एस पी ओ एन एस सी, सही है, अपडेट रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे लगवा लिया है कि जी अपडेट रिस्पॉन्स आता है उसको आप कंसोल करा दो। और मैंने बोला भाई प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली नहीं बोलूँगा मैं नीचे जो मैसेज भेजता था ना, मैसेज मैं एग्जैक्टली वही भेजूँगा, सही है, स्टोरी अपडेटेड सक्सेसफुली ये भेजूँगा मैसेज में। अच्छा, नोट करो कि मैं अपने सर्वर पे जो इनपुट और आउटपुट है उसको मैच करते हुए चल रहा हूँ, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे फ्रंट एंड को अपडेट ना करना पड़े। अच्छा, एज अ सर्वर डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर सर्वर में किसी भी किस्म की कोई चेंजेस करते हैं ना, तो आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो इनपुट आउटपुट का इंटरफेस है वो चेंज ना हो जाए, सही है। क्यों, मोस्टली क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड का डेवलपर अलग अलग होता है ना। अगर आपने चैट की एक API बना के दिए बंदे को कि फ्रंट एंड से आप चैट स्क्रीन से वो मैसेज भेजता है, अब आपने उसका इनपुट आउटपुट अगर कर दिया ना चेंज बाद में, तो वो मसला होगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो आपको गालियाँ देगा फिर सामने से, ठीक है। गोरा वैसे शरीफ होता है, गाली तो नहीं देता, लेकिन ये है कि भाई वो आपको बताएगा कि यार ये आपने इंटरफेस चेंज कर दिया है, इसको वापस पहले जैसा करो आप, ठीक है। तो API V1 जो बन गई ना, वो बन गई, अब उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है कुछ भी है उसके अंदर, अब वो सही नहीं करनी हमने। इनपुट और आउटपुट के अंदर अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है ना, जैसे यहाँ पे स्लैश स्टोरी के अंदर वाई मैंने मिस कर दिया और मैंने भेज दिया ऐसे, और वो चल गई है और वो प्रोडक्शन में आ गई है, या प्रोडक्शन में नहीं भी आई है अगर, मतलब रिलीज़ हो गई है V1 की API, पब्लिक में जा चुकी है, अब कोई उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात अलग है, तो अब रिलीज़ होने के बाद उसको आप चेंज नहीं करते, ठीक है। वो जो ऐसी है वैसी रहेगी वो, तो और इस तरह की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत सारी APIs में देखने को मिलेंगी बाकायदा, है ना, प्रोडक्शन में जो चल रही है, तो वो उसको चेंज नहीं करते फिर। अब जो V2 में होगा जो भी होगा, V1 जो हो गई रिलीज़ वो हो गई। अच्छा, मैंने कहा कि जी ये पुट हो गया, ठीक है जी, ये वैलिड ये लगा दिया मैंने, स्टोरी मेरी अपडेट का भी प्रोसेस मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेट स्टोरी करके मैंने ये अपडेट मार दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई फेल टू ऐड स्टोरी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, अब लास्ट में मेरे पास जो डिलीट है उसमें भी मैं ऑब्जेक्ट आईडी को चेक करता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ, इस पोस्ट कलेक्शन, सही है, पोस्ट कलेक्शन डॉट डिलीट वन, और मैं कहता हूँ यार ये आईडी लो आप, और इस आईडी से आप डिलीट मारो उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जी डिलीट रिस्पॉन्स, डिलीट रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, और मैं रिस्पॉन्स में क्या बोलता हूँ कि जी स्टोरी डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये जो नीचे मेरे पास था पाइन कोन वाला सारा का सारा आइटम, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, सही है। तो मेरा ये क्रड ऑपरेशन पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस क्रड ऑपरेशन को अब मैंने क्या करना है, चला के देख लेना है जल्दी से, ताकि मुझे पता लग जाए। मैं 7 में आ जाता हूँ, 7
सही है जी, ये मैंने चला दिया एन पी एम रन डेव, और ये मेरा ये 7 वाला जो फोल्डर है ना ये चला है। ओ क्या किया मैंने, ये सही है, ये 7 वाला जो फोल्डर है ना मेरा, इसको मैंने रन करा दिया। ठीक है, अच्छा मोंगो डीबी का जो कनेक्शन है, आई एम नॉट श्योर कि जो है ना वो कनेक्ट होगा या नहीं होगा। हो जाएगा वैसे तो, अगर तो मैंने एक्सपायर वेक्सपायर ना कर दिया उसको। डॉट ई एन वी ब्लैंक है नहीं यार, है। अच्छा इसमें मोंगो डीबी का वो माल नहीं लगा हुआ ना जो इसको चाहिए। मोंगो डीबी का ये क्या चाहिए इसको, यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। हाँ पुरानी वाली एप्लीकेशन से उठा के ले आते हैं। कहाँ से, मैंने ये नॉर्ड वाले से कॉपी किया था ना। करड ऑपरेशन ई एन वी टेम्पलेट है इसके अंदर भी, ई एन वी नहीं है इसमें भी। अच्छा खैर हम बना लेते हैं नया, कोई मसला नहीं है। मैं इसने अपने ई एन वी में जाता हूँ मैं। अरे यार ये इसको भी कैसे हल करेंगे इसके मसले को। मोंगो डी बी यूज़र नेम हो गया इक्वल्स टू, और मोंगो डी बी पासवर्ड। सही है, ये दो चीज़ मैंने इसके अंदर लगानी है ना। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोंगो डी बी पे, यहाँ से इस पे मैं साइन इन कर लेता हूँ, और साइन इन करके यहाँ से। अच्छा मुझे वैसे याद है वो डी बी यूज़र और डी बी पासवर्ड है। सही है, डी बी यूज़र और डी बी पासवर्ड है। ठीक है, ये मुझे याद है। ये इसका एक वो है, इसका है टॉग ऑटो क्लोकिंग के नाम से ना, ऑटो क्लोकिंग के नाम से एक एक्सटेंशन है वी एस कोड का, वो आप इंस्टॉल करोगे तो ये खुद ही हो जाता है। और इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा ना, इस बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया, अभी क्लिक करूँगा तो ये सारा शो हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैंने जूम इन इसलिए किया था कि की आधी दिखे। इसको मैं क्लिक करता हूँ ना, देखो ये शो हो जाता है, दोबारा क्लिक करूँगा ये गायब हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, अब देखते हैं अभी टर्मिनल पे क्या रिपोर्ट है। अभी मैंने गड़बड़ कर दी है, पता क्या गड़बड़ की है मैंने मैंने चेंजेस ना सारी ये 6 के इंडेक्स में कर दी है। कॉपी तो मैंने बनाई लेकिन चेंजेस एक्चुअली मैंने सारी की सारी 6 वाले में कर दी। हाँ तो इसको मैं पूरे को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं 7 वाले में लाके पेस्ट मार देता हूँ। सही है, ये 7 वाले में लाके मैं पेस्ट मार देता हूँ। सही है, सेट हो गया ये। अच्छा वो जो मैंने गलती से कर दिया उसको मैं रिवर्ट भी कर दूँ। रिवर्ट मैं कैसे करूँगा, अच्छा पहले तो देखें कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। कनेक्ट नहीं हो रहा यार, ये क्या बकवास है। ये 6 वाले को जो है ना, 6 वाले के जो सर्वर में मैंने वो कर दिया है, इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये 7 वाले पे अब है। अरे यार ये क्या हुआ, 7 वाले को जो मैंने वो किया है तो वो बना नहीं है। मैंने एक्चुअली जब एक फोल्डर की कॉपी बनाई थी ना मैंने जब, इसका मैंने करना ये था कि जब मैंने यहाँ पे आके इसको बनाया था ना, इसको मैंने कमिट करना था कि जी ये फोल्डर कॉपी है। सही है, और अब मैंने यहाँ पे लाके ये पेस्ट करना था ताकि जब चेंजेस में मुझे दिखे तो सही मैंने क्या चेंज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने काम बिल्कुल ओके कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा ये तो नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सेट है, ओके है बिल्कुल। ठीक है, सर्च वाले में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं यार, ये पहले साइड बाय साइड दिखाता था, अभी ने पता नहीं ऐसे ओपन कर दिया है। हाँ पहले ऐसे दिखाता था ना, ये देखने की आदत है मेरे को कि साइड बाय साइड होता था। अबे अरे पता नहीं इन्होंने क्या किया, छोड़ो। वेल, तो हमारे पास इस वक्त क्या हो चुका है, इस वक्त हमारे पास ये 7 के नाम से जो फोल्डर है, ये 7 के नाम से जो फोल्डर है, ये मैंने 6 वाले की कॉपी बनाई है
और इसके अंदर मैंने सिर्फ एक फाइल में चेंजेस किए हैं, वो है सर्वर डॉट एम जे एस की फाइल। उसमें मैंने क्या किया है, पाइन कॉन का जो भी डेटाबेस था जो सेव होता था वो सारा का सारा उसमें से रिमूव किया मैंने, और रिमूव करके मैंने अपना वाला लगा दिया उसमें, मोंगो डीबी लगा दिया उसके अंदर। ठीक है, अब इसको इसके करड को हम चला कर देखते हैं, इसका करड सही चलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर सर्च वाला काम परफॉर्म करेंगे कि इसमें सर्च कैसे होगा। सही है, वो देख लेंगे हम। कनेक्ट और नहीं, कनेक्ट पे नहीं जाना मुझे एक्चुअली, सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी में आ रहा होता है ना, डेटा नेटवर्क एक्सेस, डेटा एक्सेस, बेस एक्सेस। डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड, यही तो था। यहाँ पे मैंने कनेक्ट का कोड सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। डीबी यूअर आई न्यू मोंगो डीबी क्लाइंट, वो एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ पे ना वो मैंने सिर्फ ये ऐसे क्लाइंट लिखा हुआ है, इसका जो एक वो था ना जो इसके ऊपर इवेंट लगा के हम प्रिंट करवाते थे कि जी मोंगो डीबी कनेक्टेड, वो इसमें वो नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, हालांकि वो होना चाहिए था। ठीक है, लगा लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कोड दिया हुआ होता है ना, इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ होता है। मैं जाऊँगा कनेक्ट वाले में जाऊँगा मैं, उसको लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा वो ड्राइवर। और इसने कहा कि व्यू फुल कोड, और व्यू फुल कोड में ना ये रन के नाम से कि इन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक पिंग मारते हैं डेटाबेस में ये, और अगर वो पिंग सही आ जाती है तो बोलते हैं कि जी ठीक है ना, वो हो गया आपका ना। MongoDB क्लाइंट URI। अच्छा, इन्होंने ज़रा थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से कनेक्ट मारा हुआ है। ठीक है, हमने तो ज़रा ऐसे ही किया हुआ है सीधा सीधा। नहीं नहीं ये तो ये फुल ऑप्शंस के साथ इसने चलाया हुआ है ना, अभी सिर्फ MongoDB मोंगो क्लाइंट करके भी कर दोगे तो चल जाएगा, ये मना थोड़ी करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है एक्चुअली, मैंने ये रन वाला फंक्शन जो है ना यहाँ पे लगा दिया और इसको चला दिया। ठीक है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट इसमें चलाया है, और क्लाइंट डॉट कनेक्ट करने के बाद क्लाइंट डॉट डीबी डॉट एडमिन है ना, मेरा कौन सा डीबी है, मेरे पास सोशल स्टोरीज है। सही है, सोशल स्टोरीज़ के ऊपर मैंने क्या किया, एक पिंग मारा है। ठीक है, पिंग योर डिप्लॉयमेंट, यू सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB। ठीक है, और फाइनली ये क्या करेगा, क्लोज क्यों कर देगा पागल ही, इसको नहीं चलाऊंगा मैं। ठीक है ना, फाइनली को मैं नहीं चलाऊंगा। ठीक है, ये यही तो बताया वैसे ने, कह रहे हैं कि भाई क्लाइंट डॉट क्लोज मारोगे आप तो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्लोज नहीं मारना ना, तो मैं क्लोज वाले को मैं चलो हटाता नहीं हूँ कोड को, रहने देता हूँ, लेकिन मैं कमेंट कर देता हूँ इसको एटलीस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास वो आ जाना चाहिए लिखा हुआ ना, MongoDB कनेक्शन वाला। क्या कह रहा है, बैड ऑथेंटिकेशन, बैड ऑथेंटिकेशन क्यों आ रहा है। अरे ये क्या हुआ, ये भी मैंने सिक्स वाले में कर दिया क्या, ओ यस, ये भी मैंने सिक्स वाले में कर दिया। हाँ हाँ, सही है जी, सेव, ओके, वी आर गुड टू गो नाउ। ठीक है जी, पिंग योर डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो जस्ट मेरे पास ये पार्ट मिसिंग था इवेंट वाला, जिसकी वजह से ये मेरे पास जो है वो क्या नहीं आ रहा था। ठीक है भाई, मेरे पास ये MongoDB से कनेक्ट हो चुका है इस वक्त। अच्छा, और मैंने क्या करना है, अब इसका जो फ्रंट एंड है वो चलाना है। मैं करता हूँ CD web और NPM start, और मैं देखता हूँ कि ये क्रड इसका एटलीस्ट सही चलने लग गया है कि नहीं चलने लग गया। ठीक है, सर्च के अंदर इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा होगा। मैं जाता हूँ जी नेटवर्क के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि जी न्यू स्टोरी। ठीक है, ABC। अच्छा, खाली क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक नया डेटाबेस बनाया जो कि यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे वापस जाऊँ मेरे पास डेटाबेस के अंदर और ब्राउज कलेक्शन में एक्चुअली, तो यहाँ पे वो बना दिया होगा उसने, लेकिन अभी एम्प्टी आ रहा होगा वो। अच्छा नहीं, बनाया भी नहीं है इसने, इसने भी हाँ
बनाया भी नहीं है इसने। मैंने कहा सम बॉडी टेक्स्ट और पोस्ट की मैं एपीआई हिट करता हूँ, ये मेरे पास आ गया बना हुआ। अच्छा ये आ तो गया बना हुआ लेकिन इस डॉट मेटा डाटा करके मैं लेता था इसको, सही है डॉट मेटा डाटा करके लेता था। चलो थोड़ी सी यूआई को हम चेंज कर लेंगे, वैसे हम चाहें तो अपने सर्वर से ना इस तरह ट्रांसफॉर्म करके भी भेज सकते हैं कि यहाँ सीधा सीधा प्रिंट हो जाए अगर मैंने इनपुट आउटपुट वाकई मैच करना है तो, लेकिन मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा इनपुट आउटपुट मैच करने में ना अभी टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। लेकिन अगर रियल सिनेरियो होता तो मैं करता ये काम, रियल सिनेरियो होता तो मैं इनपुट आउटपुट को मैच करता बाकायदा बिल्कुल ए टू जेड उसको मैं मैच करता, ठीक है। लेकिन अभी शायद मैं ये मैच करने में मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो मैं ज़रा यूआई को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आके यूआई को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं जाता हूँ जी एसआरसी में और ऐप डॉट जेएस में, और मेरे पास जो मेटा डाटा डॉट टाइटल है इसको मैं जस्ट टाइटल कर देता हूँ और बॉडी को मैं जस्ट बॉडी कर देता हूँ। अरे ये तो फॉर्म था, अच्छा ये तो हाँ एडिट फॉर्म में भी इसी तरह होगा ना, सही है एडिट फॉर्म में भी तो इसी तरह होगा, बस ये दो ही है, दो और दो चार ही था ये और कहीं पे भी नहीं है, सही है। तो मैंने यूआई को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करूँगा यहाँ पे नीचे मुझे पोस्ट ये दिख जाएगी, ठीक है। और जो भी मैं न्यू पोस्ट करूँगा वो क्या आएगी, वो हमेशा टॉप पर आएगी, ठीक है। टॉप पर क्यों आएगी, क्योंकि मैंने सॉर्ट करके मंगवाया इसको माइनस वन करके ना, राइट, सॉर्ट करके मैंने मंगवाया ना इसको। मैं अगर वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं गेट वाले पे जाता हूँ ना गेट स्टोरीज़ के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे माइनस वन करके सॉर्ट लगाया हुआ है कि अंडर स्कोर आईडी से माइनस वन करो, इस वजह से वो पलट के लाता है। ये नहीं लिखूँगा तो वो नहीं होगा, ये नहीं लिखूँगा मैं तो क्या होगा कि ये न्यू वाले को नीचे लेके जाएगा। अभी नीचे वाले कौन सी स्टोरीज, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट है यार, एक मिनट रिफ्रेश पे गेट कर लेते हैं इसको, अभी तो सही चला ही है। एक नई स्टोरी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ, तो पुराना कोई लॉग होगा शायद, अब नहीं हो रहा, अब फेल नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो अब नई वाली को ही नीचे लेके जा रहा होगा, तो मुझे यहाँ पे माइनस वन जो लगाया था ना मैंने उसको मैं वापस से क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। अच्छा इस पॉइंट पे जो मेरा क्रड था ना वो, अच्छा चलो डिलीट भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडिट में मैंने कहा कि यार अपडेटेड एरर आ गया सर्वर पे, देख लेते हैं क्या एरर है। सर्वर पे तो कोई एरर नहीं है मेरे पास, /story/undefined। अच्छा वो स्लैश के बाद जो है वो पहले सिर्फ आईडी होती थी, अब अंडरस्कोर आईडी है, ये सीन है। तो ज़रा वो अंडरस्कोर आईडी को भी मुझे सही करना पड़ेगा, यानी जो इसमें डिस्प्ले होते हुए जो बटन दिखाता हूँ ना मैं, बटन के अंदर मैं ईच स्टोरी डॉट आईडी करता हूँ, हालांकि अब इसमें अंडरस्कोर आईडी है, सही है। हाँ डिलीट में भी ये होगा एक्चुअली, सही है। डॉट आईडी जहाँ जहाँ लगा हुआ है मुझे वहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसकी मैं प्रोजेक्शन भी कर सकता था, वैसे इसकी मैं प्रोजेक्शन भी कर सकता था कि मैं बोलता भाई अंडरस्कोर आईडी को ना एज आईडी आप लेके जाओ, लेकिन चलो ठीक है फिलहाल हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट मेटा डाटा तो मैंने हटा दिया ना, चलो सही है, सारी आईडीज मैंने रिमूव मार दी हैं, ठीक है। आओ सेव करते हैं अब इसको और डिलीट को दोबारा चलाते हैं, एडिट को दोबारा चलाते हैं, सही है अपडेट हो गया, और डिलीट मारते हैं इसको डिलीट भी हो गया, सही है। तो इस पॉइंट पे मेरा क्रड ऑपरेशन, मोंगो डीबी क्रड को मैं बोलूँगा रीस्टोर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ तो पहले से ही था, जस्ट मैंने इसको रीस्टोर कर लिया है।
अब हमने करवाना है सर्च। अच्छा भाई, अब सर्च करवाने के लिए ना मेरे पास दो ऑप्शन है, सही है। नंबर एक ऑप्शन तो वो है कि जो मैं पाइनकोन में करता था, कि जब मैं स्टोरी को पोस्ट करता था, यानी यहाँ पे मैं, तो स्टोरी को पोस्ट करवाते वक्त मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे करवा दूँ कि यार इसकी जो है ना एम्बेडिंग लिखूँ मैं, और एम्बेडिंग लिख के और यहाँ पे पूरा का पूरा वो वेक्टर मैं पास कर दूँ ना, ठीक है, पूरा का पूरा वेक्टर मैं यहाँ पे ऐसे पास कर दूँ कि जितने भी 1536 का जो है वो 1536 इंडेक्स का मैं कह रहे यहाँ पे दूँ इसको यहीं पे, ठीक है। लेकिन उससे उसका जो मेरा डाउन साइड है, उसका डाउन साइड ये है कि मुझे इस एम्बेडिंग यानी इस डॉक्यूमेंट को मुझे इंसर्ट मारने से पहले एक एपीआई कॉल लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, और दैट एपीआई कॉल इज़ टाइम एक्सपेंसिव। मेरा टाइम उसके अंदर खर्च होता है, मेरा टाइम ज़्यादा लगता है। बंदा जब पोस्ट का बटन दबाता है तो उसको रिस्पॉन्स आने में फ़ौरन पोस्ट नहीं होता, बल्कि वो कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगा देता है वो पोस्ट होने में। अच्छा, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये काम मैं पाइनकोन में, ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ MongoDB में, जो अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एम्बेडिंग नहीं दूंगा, सही है, बल्कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास जब MongoDB में नया डेटा ऐड होगा तो उस पर मैं एक ट्रिगर लगाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, उस पर एक मैं ट्रिगर लगाऊंगा, और उस ट्रिगर के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, उसको डेटा उठाऊंगा, उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करूंगा और वापस उसी डॉक्यूमेंट में रखवा दूंगा। अच्छा, वो ट्रिगर कब चलेगा, वो चलेगा ज़रा तसल्ली से, मतलब तसल्ली से नहीं चलेगा तो वो भी फ़ौरन ही, लेकिन ज़रा वो मेरा रिस्पॉन्स तो चला गया ना यहाँ से, मेरे यूज़र ने जो रिक्वेस्ट मारी थी उसको तो रिस्पॉन्स मिल गया उसका, अब वो पीछे आराम से ऐड होता रहेगा। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बंदे ने अभी ऐड किया है और अगले लम्हे उस पर वो सर्च मार दे, कम से कम 1-2 सेकंड 3 सेकंड बाद मारेगा, अगर मारता भी है ना, फ़ौरन भी अगर मारता है तो 2-4 सेकंड बाद ही चेक करेगा उसको, ठीक है, चलेगा ये भी फ़ौरन ट्रिगर, क्योंकि फ़ौरन चलता है, ठीक है। मैं ट्रिगर लगाऊंगा कि जब भी नया डेटा ऐड होता है मेरे MongoDB के फला फला कलेक्शन में, कलेक्शन का नाम भी बताऊंगा मैं, कि इस कलेक्शन में जब भी नया डेटा आता है तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन चलाओगे, उस फंक्शन के अंदर मैं जो काम कराना चाहूँ मैं करा सकता हूँ, दिस इज़ जस्ट लाइक अ सर्वर, ठीक है, जो समझ लो काइंड ऑफ एग्रीगेशन है वो, यानी ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला जो ट्रिगर होगा, ये मेरे MongoDB के डेटाबेस के साइड पे चल रहा होगा, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर नहीं चल रहा होगा। अच्छा, चाहूँ तो मैं अपने कंप्यूटर में भी चला सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा यार एक वेबहुक दे देना, ठीक है, लेकिन पता नहीं वो देता है MongoDB वाले या नहीं देते। तो बहुत सारे डेटाबेसेस के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास, कि जब कोई नया डेटा ऐड होता है ना डेटाबेस में, तो उस पर हमें ट्रिगर मिलता है। पाइनकोन में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मौजूद नहीं है, पाइनकोन बोलता है मुझे वेक्टर मिलेगा तो मैं सेव करूँगा वरना नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे जो मतलब रियल लाइफ डेटाबेसेज हैं, जैसे कि सीक्वल डेटाबेस है, जैसे कि फायरबेस, वैसे तो मतलब वाहियात है, लेकिन उसमें भी ये फीचर है कि जब नया डेटा ऐड होता है तो मुझे ट्रिगर देता है, सही है। इसी तरीके से ये MariaDB वगैरह, ये CouchDB, ये सारे, इनके अंदर ये फीचर होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे से जस्ट प्लेन इंसर्ट मार रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं और कर रहा मैं क्या करूँगा, जाके मेरे पास सेव करवाएंगे ना, सेव करवाएंगे, जब तक सेव नहीं कराएंगे तो मज़ा कैसे आएगा, फिर होगा ही नहीं वो। अच्छा, पहले तो आके यार मैं क्या करता हूँ, अपना मैं क्लस्टर ही डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें ज़रा फ्रॉम स्क्रैच हो जाएं, अभी ना चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच नहीं होंगी ये, सही है, इसको मैं क्लस्टर को मार देता हूँ डिलीट। कैसे होता था ये टर्मिनेट, ठीक है, इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया है ताकि मैं नया एक बनाऊं, ताकि फ्रॉम स्क्रैच हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने एक दफ़ा क्योंकि प्रैक्टिस की थी ना आपको पढ़ाने से पहले, तो मैंने वो सारी चीज़ें अंदर बनाई हुई हैं इसके अंदर, तो वो बनी हुई चीज़ में ना फिर वो फील नहीं आएगी कि यार वो सर ये कैसे हो गया, पता ही नहीं लगेगा आपको, इसलिए मैंने इसको डिलीट मार दिया। अच्छा, अब ये होगा क्या, इस आर्टिकल को मैं फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली, इस आर्टिकल में जो है ना इन्होंने, अब ये ऊपर कुछ इन्होंने थ्योरी लिखी है वो देख लीजिएगा आप। अच्छा, इन्होंने बोला कि यार आप क्या करोगे, आप जाओगे ट्रिगर्स के अंदर, और ट्रिगर्स के अंदर आप जाके क्या करोगे, ऐड अ ट्रिगर करोगे आप। अच्छा, ऐड अ ट्रिगर आप जैसे ही करोगे ना, तो वो बोलेगा कि यार एक बनाओ ऐप सर्विस। ऐप सर्विस क्या चीज़ है,
जस्ट लाइक अ नॉट जेएस का एक सर्वर समझ लो आप, ठीक है, जो कि एटलस वालों की सर्विस है। ये मोंगो डीबी का इटसेल्फ ये फंक्शन नहीं है, मोंगो डीबी इटसेल्फ के अंदर ये ऐप सर्विस के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये एटलस वाले एक चीज़ देते हैं आपको, एक छोटा सा फंक्शन बना के देते हैं, जैसे नेटलीफाई फंक्शन है ना, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, वो फंक्शन चलता कब है? वो डेटाबेस के साथ एसोसिएट रहता है कि जी डेटाबेस में फला चीज़ होगी तो ये चलेगा, फला कुछ होगा तो ये चले, इस तरह की चीज़ होती है। तो जैसे ही आप करोगे ना, आप बोलोगे कि यार मुझे ना ये ऐड ट्रिगर करना है, तो ऐड ट्रिगर करते ही आपको क्या करेगा, ये आपको ये लेके चला जाएगा ऐप सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं ट्रिगर ऐड करूँगा ना, तो ज़ाहिर है ट्रिगर इस एप्लीकेशन के बगैर ऐड नहीं होता। तो इन दोनों स्क्रीनशॉट के दरमियान में, यानी इसके और इसके स्क्रीनशॉट के दरमियान में एक चीज़ होगी जो यहाँ पे इन्होंने मिस की हुई है, नहीं बताई हुई है। उसमें वो मुझसे पूछेगा कि यार आपने ना कहाँ कहाँ पे वो लगाना है, मतलब ये ट्रिगर कब चले। तो मैं ज़रा आके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा डेटाबेस अगर अच्छी तरह टर्मिनेट हो चुका है, तो मैं एक बिल्ड अ डेटाबेस मारता हूँ नया, ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई फ्री वाला माल मुझे दोबारा दे दो। बसेस बसेस, अरे भाई बस बस, अच्छा इसका मैं यूज़र नेम पासवर्ड सेम रख रहा हूँ ताकि मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज ना करना पड़े। डी बी यूज़र और डी बी पासवर्ड, ठीक है जी, क्रिएट यूज़र। अच्छा वो पहले से बना हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है ये तो पहले से, इसका मतलब है नया डेटाबेस बनाने से यूज़र रिमूव नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट इट फ्रॉम? मैंने कहा कि जी मैं इसको कनेक्ट करूँगा फ्रॉम एनी वेयर। अच्छा फ्रॉम एनी वेयर भी इसमें लगा हुआ है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये पहले से लगा हुआ था, ठीक है, फिनिश एंड क्लोज, ठीक है जी। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन सेटिंग अप एक्सेस रूल, ओके। अब ये मेरा भी डेटाबेस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, आ गया। अब मैं इसको ज़रा दोबारा चेक करता हूँ। यस, यूआरएल भी तो चेंज हुआ होगा, डेटाबेस का यूआरएल चेंज हुआ होगा, ये कैसे कनेक्ट हो गया? यूआरएल तो चेंज हो गया होगा ना डेटाबेस का, नहीं वो तो खाली हो गया ना क्योंकि डाटा नहीं आ रहा, इसलिए इसका जो यूआरएल है ये चेंज हो गया ना, ऐट द रेट के बाद वाला जो आइटम है पूरा ये लास्ट तक का, ये ज़ाहिर है आपकी बार इसने एक नया दिया ना, RMBC इसमें लिखा हुआ है, और पहले वाले में क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था। वेल तो मैं इसको यहाँ पे यू आर एल ये वाला लगाऊंगा, पेस्ट करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा फ़ौरन पे, ठीक है, कनेक्टेड टू मोंगो डी बी, सही है। मैंने नया डेटाबेस जस्ट इसलिए बनाया है ताकि चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच हो ना, तो आपको जो है वो एक पता लग जाए कि हाँ यार ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है, दोबारा से चलने लग गया, रिफ़्रेश करता हूँ, डेटा आने लग गया ये। अरे इसको मैंने बंद क्यों कर दिया? नया डेटाबेस जो बनाया ना मैंने, इंसर्ट कर दिया ना, दो तीन इंसर्ट कर दिए नया डेटा मैंने, ठीक है। ब्राउज कलेक्शन में अब मैं जाऊँगा तो मेरे पास एक ही डेटाबेस होगा, पहले जो दो तीन थे ना अब एक ही होगा, और जो मैंने अभी दो क्रिएट किया वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा अब ये कह रहा था कि आप जाओगे कहाँ पे, आप जाओगे ट्रिगर्स के ऊपर ना, ये यहाँ पे ट्रिगर्स है। अच्छा ट्रिगर्स पे जैसे ही आप जाओगे तो ये वो वाली स्क्रीन, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा ये चेंज भी करते हैं वक्त के साथ, और जो है ना जैसे ही ट्रिगर्स पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझसे ना फ़ौरन वो पूछ लेगा, ये ऐप बनाने के लिए ना मुझसे वो सारी डिटेल पूछ लेगा। ये क्या कह रहा है यार, एरर मेकिंग क्लाइंट प्रोवाइडर अनरिकवरेबल क्लाउड एरर, यू आर एल डेटा क्लस्टर 0, नो क्लस्टर नेम, क्लस्टर 0 एग्जिस्ट। जावे क्या हो गया, वो टर्मिनेट मार के जो मैंने दोबारा बनाया ना, शायद इसको वो पता नहीं लगा, ये गुम सा हो गया उसके दरमियान में कहीं। चलो खैर, हम ऐड अ ट्रिगर। अच्छा, ये पता है चक्कर क्या हुआ है, मैंने जो डेटाबेस डिलीट मारा है ना उससे मेरा ट्रिगर डिलीट नहीं हुआ है, ये चक्कर हुआ है। ये ट्रिगर तो बना हुआ है पहले से यहाँ, तो मैं ये ट्रिगर डिलीट मार देता हूँ, सही है, असल में ये चक्कर हुआ है, जो पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था ना आपको पढ़ाने से पहले, तो वो यहाँ पे बना हुआ था और उसकी वजह से ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो एक डेटाबेस पे लगा हुआ है ट्रिगर, और वो डेटाबेस जो है वो डिलीट हो चुका है, और वो ट्रिगर अभी भी मौजूद है, ठीक है। ये सारे मसले मेरे क्या हो गए, अब हल हो गए। अच्छा इसका मतलब है कि मेरी ऐप सर्विस भी बनी हुई होगी, ऐप सर्विस पे जाके देखते हैं।
ऐप सर्विस भी मेरी बनी भी होगी फिर तो। हाँ मेरी ऐप सर्विस भी देखो यहाँ बनी हुई है, ठीक है। इस ऐप सर्विस को भी मैं डिलीट मार देता हूँ, ये शुरू में नहीं बनी हुई होती। अबे सारी चीज़ें मुझे हाथ से ही डिलीट मारनी पड़ी हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ यार नया डेटाबेस बनाने का। ठीक है तो मैंने ये ऐप सर्विस भी क्या कर दी, डिलीट मार दी। इस ऐप सर्विस के ऊपर जाहिर है क्योंकि ये जस्ट लाइक अ फंक्शन है, तो इसके अंदर जो आप ना 1 मिलियन रिक्वेस्ट मार सकते हैं, जिसमें से 30 रिक्वेस्ट मैं मार चुका हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और डेटा ट्रांसफ़र वगैरह की हर चीज़ की लिमिट है, 500 आवर का जो है ना कंप्यूटिंग टाइम भी आपको देता है ये। ठीक है तो वो एप्लीकेशन भी मैंने डिलीट मार दी। मैं वापस आ जाता हूँ, बैक करता हूँ, डेटा सर्विस के ऊपर वापस आ जाता हूँ मैं। ठीक है मैं किसके ऊपर आ गया हूँ, मैं डेटा सर्विस के ऊपर वापस आ गया हूँ, और यहाँ से मैं अगेन जो आर्टिकल में बताया था वो करता हूँ। मैं ट्रिगर पे जाता हूँ, ठीक है ट्रिगर पे जाता हूँ। यहाँ पे कोई ट्रिगर मौजूद नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना ऊपर आता था ना उसके ऐड अ ट्रिगर, मेरे पास ये इस तरह से आ रहा है। अच्छा ये कह रहा है कि भाई सेलेक्ट करो ना डेटा सोर्स कौन सा आपको चाहिए, तो यहाँ पे एक ही क्लस्टर है मेरे पास, तो ये खुद ही सेलेक्ट हुआ हुआ आ रहा है। ठीक है मैंने कहा भाई गेट स्टार्टेड, एडवांस ऑप्शन को मैंने छेड़ा नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट पे जाने दिया उसको मैंने। अच्छा जैसे ही मैं क्रिएट अ क्लस्टर ये करता हूँ ना ट्रिगर, तो ट्रिगर तो क्रिएट होगा साथ में पीछे उसके ऐप सर्विस खुद से बन जाती है। ठीक है पीछे उसके ऐप सर्विस क्या होती है, खुद से बन जाती है। अब ये कर रहा है यार लिंकिंग योर डेटा सोर्स कर रहा है। अब देखते हैं ये ट्रिगर कैसे बन के तैयार होता है। ठीक है ये ट्रिगर मेरा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अच्छा अब इस ट्रिगर में क्या क्या चीज़ें मैंने सेलेक्ट करनी है ना, ये तो वैल्यूज़ इसने पहले बता दी। ठीक है वो यहाँ ये आगे बता रहे जाके, ये मतलब काफ़ी आगे जाके इसने ये बात बताई कि इसमें क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है अब यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि यार सेलेक्ट द डेटाबेस टाइप ऑफ योर ट्रिगर, ठीक है लिंक द क्लस्टर टू द ट्रिगर सोर्स डिटेल। ठीक है सोर्स ये डिटेल हो गया। अच्छा अब क्या हो गया, फॉर दिस ट्यूटोरियल वी आर यूजिंग सैम्पल MFLIX डेटाबेस, ठीक है मूवीज़। ठीक है सैम्पल MFLIX डेटाबेस कह रहा है कि यार हमने ना इस आर्टिकल में इसने एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसका ये नाम है, हमारे केस में हमारे डेटाबेस का नाम है सोशल स्टोरीज़। ठीक है तो कह रहा है ये सेलेक्ट करो सोशल स्टोरीज, उसके बाद कलेक्शन का नाम सेलेक्ट करो। ठीक है उसके बाद टाइप ऑपरेशन सेलेक्ट करोगे भाई, इंसर्ट अपडेट रिप्लेस किस किस पे ये चलना चाहिए, सही है ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करो। आके हम कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने कहा भाई टाइप मेरी डेटाबेस है। अच्छा इसमें एक स्केजुअल ट्रिगर ट्रिगर भी होता है। स्केजुअल ट्रिगर क्या होगा कि हर कुछ सर्टन टाइम के बाद वो खुद ही चलेगा। ठीक है मैंने वो नहीं करना, मैंने डेटाबेस का ट्रिगर लगाना है। ठीक है ट्रिगर को मैंने एक नाम दिया ट्रिगर जीरो, ठीक है यही नाम रहने देते हैं। ट्रिगर इस वक्त इनेबल है या डिसेबल है, इसको मैं वक्ती तौर पर डिसेबल भी कर सकता हूँ, बाद में आऊँगा ना एडिट करूँगा डिसेबल कर दूंगा तो ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है स्किप इवेंट फॉर री इनेबल, अच्छा अगर मैं इसको इनेबल डिसेबल करता हूँ तो उससे भी एक इवेंट जनरेट होता है। ठीक है तो वो कह रहा है कि यार आपने उसको रखना है कि नहीं रखना, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है जो डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दो। इवेंट ऑर्डरिंग, इवेंट ऑर्डरिंग बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल है, इसका मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में डेटा इंसर्ट होगा ना, यानी मिसाल के तौर पर मैं डेटा इंसर्ट करने पर अगर इसको चलवाता हूँ मैं, तो जिस सीक्वेंस में इंसर्ट होगा उसी सीक्वेंस में ये फंक्शन भी चलेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो क्या मैंने ऑर्डर रखना है उसका, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है तो इसको मैं रहने दूंगा। ठीक है लिंक डेटा सोर्स, अब लिंक डेटा सोर्स में एक डेटा सोर्स पहले से लिंक हुआ हुआ है और कह रहा है मजीद कोई है तो लिंक, और कोई है नहीं मेरे पास एक ही है, सही है। क्लस्टर का नाम पूछ रहा है कि क्या है क्लस्टर का नाम, मैंने कहा क्लस्टर जीरो है मेरा। कह रहा है उस डेटा बेस का नाम बताओ जिस पर ट्रिगर लगाना है, ये लोड कर रहा है अभी। यहाँ पर मैं आया मैंने कहा सोशल स्टोरीज़ है, एक ही डेटा बेस बना हुआ है तो वही आ रहा है, ज़्यादा होते तो आते। कलेक्शन का नाम कह रहा है क्या है भाई, मैंने कहा कलेक्शन का नाम है पोस्ट, मेरे पास एक ही कलेक्शन है, ज़्यादा होती तो लिस्ट में और भी आ रहे होते। अच्छा कह रहा है कि ऑपरेशन टाइप कौन सा है, मैंने कहा भाई इंसर्ट पे चलाओ अपडेट पे चलाओ और रिप्लेस पे चलाओ, डिलीट पे मुझे चलवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है क्योंकि इंसर्ट होगा जब तो एक नई स्टोरी आएगी, आज जब ये फंक्शन चलेगा तो मुझे वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा जो इंसर्ट में अभी अभी इंसर्ट हुआ है, वो मुझे पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा। मैं उसमें से डेटा उठाऊंगा वेक्टर में कन्वर्ट मारूंगा और वेक्टर में कन्वर्ट मार के इसके अंदर एक नई की ऐड कर दूंगा एम्बेडिंग के नाम से और वो सेव करा दूंगा वापस उसको। ठीक है सेम काम मुझे अपडेट में भी कराना होगा, भाई अपडेट में स्टोरी चेंज हो गई है तो अब उसका एम्बेडिंग भी दोबारा से बनेगी। ठीक है और अपडेट और रिप्लेस में छोटा सा एक छोटा सा फ़र्क होता है, लेकिन आप इसको समझें कि एक ही चीज़ है ये, अपडेट और रिप्लेस क्या है वो असल में एक ही चीज़ है। ठीक है तो जस्ट डिलीट के ऊपर मैंने ये काम नहीं कराना, डिलीट के ऊपर मैं अब दोबारा एम्बेडिंग बना के क्या करूँगा, वो तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट ही डिलीट हो गया जब, तो मैंने डिलीट के ऊपर चेक नहीं लगाया। अच्छा कह रहे हैं कि भाई फुल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मैंने कहा हाँ फुल डॉक्यूमेंट चाहिए भाई। ठीक है अच्छा डॉक्यूमेंट का प्री इमेज चाहिए आपको, मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्यूमेंट डिलीट हुआ है तो डिलीट होने से पहले वो कैसा था वो भी चाहिए, मैंने कहा नहीं वो नहीं चाहिए। ठीक है या कोई डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है तो अपडेट होने से पहले वो कैसा था, तो दो आइटम मिलेंगे मुझे, एक प्री इमेज और एक अभी वाला,
तो मुझे वो उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अभी वाला चाहिए बस, वो मैंने फुल डॉक्यूमेंट इनेबल मार दिया। अच्छा अब ये कह रहा है कि भाई इसका जो ट्रिगर का जो फंक्शन है वो आप किस तरह से लिखना चाहोगे, आप फंक्शन यहीं हाथ से लिखोगे या आप बनाओगे इवेंट ब्रिज। ठीक है, इवेंट ब्रिज में आप क्या करते हो, ए डब्ल्यू एस का यहाँ पे अपना एक फंक्शन बना देते हो, ए डब्ल्यू एस पे जाके उसका नाम वाम बता देते हो, यहाँ पे वो फंक्शन खुद ही चलता है फिर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इवेंट ब्रिज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा यार यहीं पे फंक्शन लिख लेते हैं, गुड इनफ रहेगा। अब यहीं पे जो फंक्शन लिख लेते हैं ना, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने एक पूरा फंक्शन लिख कर दिया हुआ है। इस फंक्शन में देखो पहले होता क्या है, ये फंक्शन इन्होंने लिख कर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये पहली जो लाइन है ये तो इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, ये पहली लाइन सिंटैक्स है, ये यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख कर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने जो लिखा है ना उसको हम देख लेते हैं क्या लिखा है जी। आपके पास ना पहले चेंज इवेंट मिलेगा, जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा फुल डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से मिलेगा, चेंज इवेंट डॉट फुल डॉक्यूमेंट, ऐसे आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मिल गया तो उसकी जो दो कीज़ है मेरे पास, टाइटल और उस बॉडी, इन दोनों को उठाऊंगा मैं, उठा के भेजूंगा मैं ओपन ए आई डॉट कॉम की एम्बेडिंग एपीआई पे। अच्छा यहाँ पे मैं ओपन ए आई की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये यूआरएल पे रेस्ट एपीआई ना ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करूँ, इस फंक्शन को हैवी करूँ बिला वजह, अगर मेरे पास रेस्ट एपीआई अवेलेबल है तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। तो उसने बोला भाई ये यूआरएल होगा जिस पर रिक्वेस्ट जाएगी। अच्छा फिर इसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट वैल्यूज़ डॉट गेट करके ना ओपन एआई की को गेट किया। अच्छा ये कहाँ से गेट किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल से। अभी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल देखते हैं क्योंकि वो एक कंप्लीट ऐप है, वो जो फंक्शन है मेरा वो असल में कंप्लीट ऐप है, तो उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल भी है। अब मैं इस फंक्शन में तो नहीं लिख सकता ना उस की को, जो कि मुनासिब नहीं है, इस फंक्शन में लिख भी सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं है वो। फिर जाहिर है फंक्शन सब लोगों को विजिबल होता है, जो भी टीम मेम्बर्स होंगे उनको भी विजिबल होगा। ठीक है, तो जहाँ पर ये कोड रन होगा जिस प्रोसेसर के ऊपर, फिर वहाँ पर भी शायद इशूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में से की उठाया है, और की उठाने के बाद क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट जो है ना इस जगह के ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल है, सही है, जो इस फंक्शन के अंदर पहले से ही आपको मिल रहा होता है। देखो कॉन्टेक्स्ट डॉट वैल्यूज डॉट गेट किया ना इसने, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल मिला। ये कॉन्टेक्स्ट एक यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है जो इस फंक्शन में आपको मिल रहा होता है, ये MongoDB जो ट्रिगर है ना उसकी स्पेसिफिक चीज़ है, ये यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। तो इसने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही ना एक लाइब्रेरी इन्होंने लगा के दी हुई है पहले से। मैं यहाँ पे एक्जियोस भी इस्तेमाल कर सकता था लेकिन या फैच भी इस्तेमाल कर सकता था, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर डॉट एच टी टी पी करके ना डॉट पोस्ट करके एक लाइब्रेरी पूरी रखी हुई है कि जी, यानी जो मेन मेन चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पहले से रखा हुआ है इन्होंने। तो मैंने मारा पोस्ट की रिक्वेस्ट, मैंने बोला भाई यू आर एल ये वाला होगा ओपन ए आई का जो ऊपर लिखा हुआ था, मैंने कहा हेडर में ना आप ये लगाओ ओपन ए आई की यहाँ पे ऐसे ये लगा के भेजो आप। ठीक है, ये लग गया। अच्छा उसके बाद क्या करो, बॉडी के अंदर क्या करो, स्ट्रिंगिफाई करके भेजो क्या चीज़, जो भी आपका जो है ना प्लॉट है। अच्छा प्लॉट क्या चीज़ है, इन्होंने क्योंकि वो मूवी की बनाई हुई है डेटाबेस, तो मूवी के अंदर प्लॉट उसको बोलते हैं कि मूवी में हो रहा क्या है। प्लॉट एक जो है ना मतलब एक पैराग्राफ होता है, इसमें पूरी इस मूवी की स्टोरी लिखी हुई होती है कि इसका प्लॉट है क्या। मिसाल के तौर पे भाई एक ऐसे जर्मन फौजी की कहानी है जो 17 साल की उम्र में लड़ने चला गया और वहाँ से जब वो लड़के वापस आया तो वो जहनी मरीज़ बन गया। ठीक है, अब वो जहनी मरीज़ के ऊपर अब वो पूरी स्टोरी, तो यहाँ तक का जो होता है वो प्लॉट होता है, उसके बाद जो वो एक्चुअल स्टोरी होती है। तो ये प्लॉट वो वाला प्लॉट है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट में से निकला। ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, जो ऊपर इसने फुल डॉक्यूमेंट को गेट किया हुआ है ना, ये इसने ये फुल डॉक्यूमेंट जो गेट किया हुआ है इसने ये। ठीक है, तो इसने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट प्लॉट जो है ना उसको क्या कर दो आप, उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दो आप, ओपन एआई को भेजा है और मॉडल बताया कि एडा टू। ठीक है, जवाब यहाँ से आता है रिस्पॉन्स डेटा का, इसको क्या करता है ये ई जेसन डॉट पार्स करता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है जेसन डॉट पार्स होता है, यहाँ पे ई जेसन डॉट पार्स है। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये ई जेसन क्यों लिखा है इसने और ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है इसी तरह और रिस्पॉन्स डेटा में ये मुझे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मिलता है, मैंने प्रिंट करवा के देखा है, तो ऐसे कर लेते हैं कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये पूरा सिंटेक्स यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करता है कि जी रिस्पॉन्स जो आया वो 200 है कि नहीं है, ये भी चेक कर लिया इसने। फिर इसने ये एम्बेडिंग को सेपरेट किया इस रिस्पॉन्स डेटा में से, एम्बेडिंग सेपरेट हो गई। एम्बेडिंग सेपरेट होने के बाद इसने यहाँ पे कलेक्शन बनाई, कलेक्शन कैसे बनाई, कॉन्टेक्स्ट डॉट सर्विस डॉट गेट, यहाँ पे इसने बोला भाई क्लस्टर का नाम लिखो, ठीक है डेटाबेस का नाम लिखो और कलेक्शन का नाम लिखो, ये मेरे पास कलेक्शन तैयार हो गई। अब इसके ऊपर कलेक्शन के ऊपर अपडेट की पूरी क्वेरी चलाई है और अपडेट चलाते हुए क्या किया है, प्लॉट एम्बेडिंग के नाम से एक नई की ऐड की है, जो भी एग्जिस्टिंग था ना, मिसाल के तौर हमारे केस में टाइटल है और बॉडी है। ठीक है, टाइटल और बॉडी के बाद क्या हो जाएगा, एक एम्बेडिंग के नाम से एक तीसरी की ऐड हो जाएगी जिसके अंदर ये एम्बेडिंग यहाँ पे लगा देगा, सही है।
तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। यानी कि मेरा जो डॉक्यूमेंट था, जो मैंने प्लेन डॉक्यूमेंट ऐड किया था, ये ट्रिगर चलने के बाद उस डॉक्यूमेंट में एक नई की ऐड हो जाएगी जो कि 1536 इंडेक्सेस का एक एरे होगा। ठीक है, हो गया ये काम। अच्छा, ये काम होने के बाद यहाँ पे कुछ इसने कॉन्सोल पे कुछ लगाया गया, सक्सेसफुली अपडेटेड जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये फंक्शन में जाके लगा देता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन में मैं कुछ चेंजेस करूँगा ऑब्वियसली। वो जो चेंजेस करूँगा मैं किस हिसाब से करूँगा, मेरे यूज़ केस के हिसाब से। अच्छा, ओपन एआई की जो की है वो मैं इस तरह से इस नाम से नहीं दे रहा, मैं किस नाम से दे रहा हूँ, आके मैं जो यहाँ मैंने नाम रखा हुआ है ना, उस नाम को वहाँ पर बता देता हूँ। मैंने कहा भाई ओपन एआई की ना इस नाम से होगी मेरे पास। पूछो। जो कंडीशन है जो पोस्ट जैसी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो बैकएंड पे एक और अपडेट भी चलेगी उसके हाँ पोस्ट के साथ से अपडेट भी चलेगी पीछे तो जो आपने पहले तरीका बताया था एम्बेडिंग वाला उसको क्या वो उसका मतलब कौन गया था उसका अगर डायरेक्ट हम लोग एम्बेडिंग में वो पूरे 1536 पास करते हैं टाइम बहुत दे रहा था एक्स्ट्रा एपीआई कॉल होगी ना, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। वो भी कर सकते हैं, वो कर दो, कोई मसला नहीं है, वो वाला भी कर सकते हैं। इसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बस, अगर टाइम इम्पॉर्टेंट है तो सही है, अगर नहीं है इम्पॉर्टेंट तो वहीं पे कर दो, एक ही बात है। ठीक है, छोटा सा ट्रिगर है ये, इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो एपीआई की मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दी। अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या करना है कि जी ये जो यूआरएल, तो चलो यूआरएल तो सही है, फिक्स है वो, है ना, ये तो यूआरएल तो फिक्स है। और मैंने क्या करना है, हाँ मैंने जो ये डॉक्यूमेंट डॉट करके जो चीज़ है ना मेरे पास, मैंने कहा भाई ये इस तरह नहीं है मेरे केस में। मेरे केस में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल है, ठीक है, और वो भी किस तरह है, वो भी इस तरह करके होगा। और ऐसे करके होगा मेरे पास, नहीं, ये तो ओपन आई की हाँ यहाँ पे चेंज हो गई है जी, मैंने इसके नाम को चेंज किया ना, सही है, ये चेंज हो गया। अभी मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखवाया नहीं है, वो रखवाता हूँ अभी मैं, कैसे रखवाते हैं देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा भाई इस तरह करके ना सिंगल पैराग्राफ बना के दो टाइटल और बॉडी दोनों का, ठीक है, और उससे जवाब ले लो। अच्छा, रिस्पॉन्स डेटा आ गया, रिस्पॉन्स डेटा को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। अगर 200 है तो ये एम्बेडिंग सेपरेट हो गई, एम्बेडिंग सेपरेट होने के बाद मेरे क्लस्टर का जो नाम है वो क्या है, क्लस्टर ज़ीरो है, मेरे क्लस्टर का नाम जो है वो क्लस्टर ज़ीरो है, सही है। डेटाबेस का नाम है मेरे पास क्या है भाई, सोशल स्टोरीज, आई थिंक सोशल स्टोरीज, ये मेरे भाई डेटाबेस का नाम आ गया। मैंने कहा गया डेटाबेस का नाम ये हो गया, और यहाँ पे मेरे पास पोस्ट्स नाम है इसका, ठीक है, कलेक्शन का नाम पोस्ट है। ओ, ये क्या कर दिया मैंने, शिट, बैक का बटन दबा दिया मैंने। हाँ, वो सेव किया था उसने लिखा हुआ पे, नहीं भाई ये तो ऐड अ ट्रिगर वाले पे लाके खड़ा कर दिया इसने मुझे। नहीं किया सेव यार, सॉरी। हाँ मैं स्टोर कर दूंगा, यहाँ स्टोर कर दूंगा, नहीं वो आर्टिकल वैसे भी तो है, आर्टिकल तो सेम बिल्कुल कोड है, मैंने कुछ ज़्यादा चेंज तो किया नहीं है, दोबारा कर लेता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। ऐड अ ट्रिगर, वो तो मैं असल में समझा समझा के कर रहा था इसलिए टाइम लग रहा था, वरना तो ये एक 2-4 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं था ये। ऐड अ ट्रिगर किया मैंने, डेटाबेस में आया, मैंने कहा जी ट्रिगर ज़ीरो, ये सारा डिसेबल क्यों हुआ है भाई। नहीं, नहीं हुआ ना, अच्छा वो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम सेलेक्ट नहीं किया हुआ ना, जब मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो आगे बढ़ेगा। वेल, तो मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस सेलेक्ट किया, ट्रिगर ज़ीरो पहले से नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट था उसको डिफ़ॉल्ट छोड़ा है मैंने, ठीक है, और लिंक डेटा एक लिंक हुआ हुआ है, उसके बाद क्लस्टर का नाम क्लस्टर ज़ीरो, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ जा जल्दी से, ये डेटाबेस का नाम आ गया, उसके बाद ये मेरे पास कलेक्शन का नाम आ गया। मैंने कहा इंसर्ट अपडेट और रिप्लेस, ये हो गया, मुझे फुल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है, प्री इमेज नहीं चाहिए मुझे, फंक्शन चाहिए, और फंक्शन में आके मैंने क्या किया, कंट्रोल ए किया, और यहाँ से उठा के इस फंक्शन को मैंने इधर लाके पेस्ट कर दिया दोबारा। इधर लाके पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई यहाँ से जो मैं करता हूँ ना, ये यहाँ से मैं ओपन एआई कैसे करता था,
मैं ओपन ए आई, ओपन ए आई कहाँ गया मेरा, ये रहा, इस नाम से मेरे पास होगा, सही है। और यहाँ पे भेजते हुए भी है ना, ये रखवा दिया, सही है। मैंने ये तीनों जगह पे ये ओपन किया, एक चेंज ये किया था मैंने, और क्या चेंज किया था, एक मैंने चेंज यहाँ पे किया था, मैंने कहा कि भाई ऐसे होगा डॉक डॉट टाइटल और डॉक डॉट बॉडी, सही है, ये हो गया। और मैंने क्या किया था, ये जी रिस्पॉन्स आ गया, और ये अगर 200 है तो सक्सेसफुली रिसीव एम्बेडिंग, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्लस्टर का नाम, क्लस्टर का नाम था मेरे पास क्लस्टर ज़ीरो, क्लस्टर ज़ीरो हो गया। और सोशल स्टोरीज, सोशल स्टोरीज़ को ज़रा यहाँ से मैं कॉपी मार लेता हूँ, सोशल स्टोरीज़ की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी शायद गड़बड़ भी है, सही है, पोस्ट्स। अच्छा जी, ये काम हो गया मेरे पास। और मैंने अपडेट वन मारा, प्लॉट एम्बेडिंग के नाम से एक नई की ऐड करता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्लॉट एम्बेडिंग है, कोई इतना बुरा भी कीवर्ड नहीं है मतलब, तो मैंने इसी नाम से मैंने बोला ऐड कर दूँ, ठीक है। और इसको अब मैं करा दूँगा सेव। अच्छा, नीचे यहाँ पे रन वन करने का, टेस्ट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन वो असल में आर्टिकल से मैंने डायरेक्ट कॉपी किया, तो मुझे चला के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ट्रिगर के फंक्शन में और क्या क्या हो जाता है वो MongoDB के डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको सेव करवा दिया, ठीक है। सेव करवाते ही क्या होगा, जो मेरे पास पहले से मौजूद, जो एक मैं नए टैब में ना ज़रा इसकी वो खोल लेता हूँ, एक नए टैब में मैं इसका जो डेटाबेस है ना वो ओपन कर लेता हूँ, सही है। मैंने कहा ब्राउज कलेक्शन, और मैं पोस्ट्स के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। अब देखो पोस्ट्स के अंदर जो है ना यहाँ पे क्या वो वाली फील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अब की बार जब मैं नया डेटा ऐड करूँगा ना तो उसके लिए वो ट्रिगर चलेगा। और यहाँ पे जब आप देखोगे ना डेटा को आगे, तो इस टाइटल और बॉडी के साथ साथ क्या होगा, एक और चीज़ भी होगी जो कि वो होगा, यार ये करंट डेट तो ऐसे ही सेव हो गया ये पता नहीं क्या, अच्छा चलो खैर, अभी तो वो एक अलग बात है, वो सही है। हाँ, और सॉर्ट तो हम आईडी से कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटेड ऑन वाला ये ज़रा हम देख लेंगे कि ये क्या चक्कर है इसका, टाइम स्टैम्प सर्वर का लगाया तो है हमने, लेकिन हमने कुछ गड़बड़ कर दी है उसको लगाने में, जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा। अच्छा, अब मैं आता हूँ और अब मैं एक नया डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है। और मैं लिखता हूँ कि भाई आई लव कॉफ़ी, और मैंने कह दिया कि यार सम ड्रिंक्स आर डार्क, ये मैंने बात लिख दी है, ठीक है। अब मैं जब पोस्ट का बटन दबाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, मेरे सर्वर पे जाएगा, सर्वर से सीधा सीधा डेटाबेस में ऐड होगा और मेरे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। मैंने पोस्ट किया, ये आगे ख़त्म हो गया, आई लव कॉफ़ी हो गया, उसके बाद ये ट्रिगर चलाएगा कभी पीछे जाके ना कहीं, सही है। और मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा जैसे ही, तो मुझे यहाँ पर वो नया डेटा जो ऐड हुआ है अब की बार वो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा, और नए डेटा के अंदर मेरे पास वो नहीं आया ना, सर्वर में कुछ भी नहीं, हाँ वो की नहीं दी है मैंने, यस एक्चुअली मैंने वो की नहीं दी है, तो इसकी वजह से मेरा फंक्शन क्या हो गया, फेल हो गया वो फंक्शन मेरा, ठीक है। अच्छा, वो फंक्शन मेरा फेल हो गया, तो मैं जाता हूँ दोबारा ट्रिगर के अंदर, और मैं यहाँ पे एक जगह लॉग्स भी आ रहे होते हैं इसके, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि लॉग्स में हुआ क्या है। फंक्शन के अंदर गया मैं, नहीं नहीं एक्चुअली वो ऐप सर्विस के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जब ट्रिगर बनाया तो उसके पीछे एक ऐप बनी होगी छोटी सी, तो असल में तो वो ऐप है जो चल रही है, ठीक है। ये ट्रिगर के नाम से मेरे पास ऐप थी, इसके अंदर चला गया मैं, इस ऐप के अंदर चला गया, इस ऐप के अंदर लॉग्स भी आ रहे होंगे और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जी लॉग्स, इसके लॉग्स लॉग्स लॉग्स, ये आ गया जी मेरे लॉग्स। यहाँ पे ये मुझे बता रहा होगा कि जी आपका ये फेल किस तरह से हुआ है, ठीक है, फेल टू रिसीव द एम्बेडिंग 401 मतलब अनऑथेंटिकेट, ठीक है। तो ये लॉग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप फिल्टर भी मार सकते हैं डेट वाइज या इस तरह जो भी आपके फ़िल्टर लगाना है टाइम वाइज ना, रीसेंट लॉग आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे। अच्छा, मैंने एक्चुअली करना क्या था, मैंने जाके ना वैल्यूज़ ऐड करनी थी, ये
इन्वायरमेंट वेरिएबल को ये वैल्यूज़ कहते हैं, सही है। और मैंने कहा भाई क्रिएट अ न्यू वैल्यू, ठीक है, क्रिएट अ न्यू वैल्यू करके इसको मैं एक नाम दूंगा। नाम क्या दूंगा इसको मैं, वही जो मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, सही है जी। ओपन एआई की इस नाम से मैंने रखना है, ओपन एआई की दे दिया मैंने इसको। अच्छा, और मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि यार ये ना एक सीक्रेट है ये, सही है। और सीक्रेट के अंदर मैं क्या दे दूँगा इसको, ऐसे यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा ना, सही है। ओपन एआई की जो की है उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव नहीं हो रहा है अभी, ये जस्ट एक सीक्रेट है जो कि कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं बाद में ना, दिस इज़ नॉट एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको कैसे लेके जाना है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले मैं उससे आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे से की को पकड़ता हूँ, सही है। अबे ये कैसे पकड़ में आएगा, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इसको ज़ूम करूँ ऐसे ही हूँ, और ज़ूम करने के बाद मैं क्या करूँ, इसकी ऑटो क्लोकिंग को मैं करूँ बंद, यहाँ पे मैं इसको लगाऊँ और इसको मैं ये करूं कॉपी मारूं और वापस इसको मैं ऑटो क्लोकिंग मार दूं, ठीक है। अभी मेरे क्लिप बोर्ड के ऊपर आ चुका है, और यहाँ पे लाने के बाद अब मैं जब इसको पेस्ट करूँगा तो मुझे ये दिखेगा नहीं, सही है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अभी ये क्या बना है, अभी ये बना है सीक्रेट। अच्छा, अब मैं करूँगा एक न्यू वैल्यू क्रिएट मारूँगा अब मैं, ठीक है। इसका भी नाम मैं चाहूँ तो मैं सेम नाम रख सकता हूँ इसका भी, क्या नाम रख सकता हूँ मैं, ये ओपन ए आई की जो है ना, यही इसका भी नाम रख देता हूँ मैं, ठीक है। और अब की बार मैंने क्या बोला, मैंने कहा तुम क्या हो, एक वैल्यू हो, सही है। आर्टिकल में ये बात पूरी इन्होंने बताई दी है, ज़रा पहले बता दी इन्होंने ये बात ना, इन्होंने कहा भाई आप जाओ ओपन ए आई के ऊपर ऐसे ऐसे करके की बनाओ आप, और की बनाने के बाद आप क्या करो, आप इधर जाओ यहाँ वैल्यूज़ में जाओ, वैल्यूज़ में जाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे नाम लिखो और सीक्रेट बता दो उसको आप, सही है। सीक्रेट हो गया, उसके बाद कह रहा अगेन वैल्यू पे जाओ आप, ठीक है। और अब की बार आप बोलो सीक्रेट नहीं है, अब की बार ये, अब की बार ये क्या है, ये वैल्यू है, और इसको लिंक करा दो सीक्रेट के साथ। आप कस्टम कंटेंट करके मैं यहीं पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिंक करा दिया उसको सीक्रेट के साथ, ठीक है। तो ये ज़रा टू लेयर के अंदर इन्होंने रखा है, आर्टिकल में इन्होंने इस तरह सजेस्ट किया तो हम भी इसी तरह कर लेते हैं, ज़्यादा शायद बेहतर तरीका है ये, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ, मैंने कहा यार अब की बार तुम वैल्यू हो, कस्टम कंटेंट देके ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था कि, लेकिन इन्होंने बोला आप क्या करो इसको लिंक टू सीक्रेट करा के ना, ये लिस्ट यहाँ पे देखो आ रही है, मैंने लिंक टू सीक्रेट सेव करा दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो अब जब मैं वैल्यूज़ पे जाऊँगा ना तो मेरे पास क्या आ रही होगी, दो चीज़ें आ रही होगी, एक की टाइप होगी सीक्रेट और एक की टाइप होगी वैल्यू, नाम दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब मेरा जो है ना ये मोस्ट प्रॉब्ली चल जाना चाहिए, मैं दोबारा लॉग्स में आ जाता हूँ यहाँ पर, और लॉग्स में आके मैं एक और दफ़ा एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, सही है। मैंने कहा कि यार सम न्यू डॉक एबीसी डॉक पोस्ट किया मैंने, ठीक है, स्टोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अब की बार वो सही अगर चल गया होगा तो मेरे पास यहाँ पे एम्बेडिंग आ रही होगी, ठीक है जी, प्लॉट एम्बेडिंग ये आ गई मेरे पास, और उसको मैं खोलूंगा तो मेरे पास ये 1536 इंडेक्स का एक एरे आ गया पूरा। अभी इसको स्क्रॉल करते जाओ, अब ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये 1536 इंडेक्स पूरा है। अच्छा, यहाँ पे जो क्या हो गया, जो सेव वाला काम था ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया, जो सेव करने वाला काम था वो मैंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये करना पड़ेगा, ये यहाँ तक का काम तो मैं पहले भी कर सकता था जब MongoDB में वेक्टर की सपोर्ट नहीं थी ना, जब भी मैं ये काम कर सकता था, क्योंकि एक एरे सेव कराया मैंने और क्या कराया, एरे तो सेव कराया मैंने सिंपल सा एक। इसके बाद मैंने इसको जाके बताना है कि बच्चा आप क्या बनाओ, एक अदद करो इंडेक्स, आप इंडेक्सिंग करो आप, सही है, इंडेक्सिंग करो इसके ऊपर। अच्छा कैसे करो, सर्च के ऊपर गया मैं अपने क्लस्टर में मौजूद हूँ, ठीक है, कलेक्शंस के पड़ोस में बिल्कुल ये सर्च मौजूद है, जहाँ कलेक्शन में था अभी मैं, ठीक है, जहाँ पे मैं डेटा देख रहा था उसके बिल्कुल पड़ोस में ये सर्च मौजूद है। सर्च में जाके मैं क्या बोलूँगा, क्रिएट सर्च इंडेक्स, ठीक है, जेसन एडिटर, और जेसन एडिटर करके मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आके इन्होंने ना आर्टिकल में बताया हुआ है कि यार आप क्या करोगे, सही है, क्रिएट सर्च मारोगे, जेसन एडिटर करोगे आप, और वो बोल रहा है कि यार ये लगा दो अब बस सीधा सीधा जाके उधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है, ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई। अच्छा, इंडेक्सिंग करते हुए मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा भाई इंडेक्सिंग की टाइप जो है वो डायनेमिक है, फील्ड जो है जिसके ऊपर ये
लग रही है, उस फील्ड का नाम क्या है, प्लॉट एम्बेडिंग। इसको मैंने क्योंकि वो उधर इसी नाम से सेव करवाया हुआ है, अगर मैं किसी और नाम से कराता तो यहाँ पे मैं वो नाम लिखता, ठीक है। अच्छा, इस ये जो फील्ड है इसकी डायमेंशन क्या है, 1536। सिमिलैरिटी जो है इसकी वो कोजीन है, ये ओपन एआई वालों ने रेकमेंड किया हुआ है कि इसको जहाँ स्टोर करोगे ना वहाँ पे सिमिलैरिटी ये होनी चाहिए। और टाइप इसकी जो ना के एन वैक्टर है, ठीक है, जो याद है पाइन कोन में भी हम टॉप के लिख के सर्च मारते थे, वो ये वैक्टर है, ठीक है, के एन वैक्टर। तो ये इन्होंने इस तरह करके यहाँ पे लगा दिया। ये तीनों चीज़ें मुझे किसने रेकमेंड की हैं, ये मुझे ओपन एआई वालों ने रेकमेंड की है जिनसे मैंने वेक्टर बनवाया है, उन्होंने बोला है कि इस तरह सेव होगा और इस तरह सर्च होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये करके मैंने ये डायनेमिक ट्रू का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडेक्स बना रहे होते हैं ना तो वो वाला चक्कर है, इंडेक्स का चक्कर है। अच्छा, ये पूछ रहा है मुझसे कलेक्शन का नाम, ये मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने कहा पोस्ट वाले के कलेक्शन पे, हो सकता है और भी कलेक्शन होते तो वो भी आते, एक ही कलेक्शन है। मैंने कहा भाई इसके ऊपर जो है ना, इस नाम से अगर कोई फील्ड हुई तो उस पर इंडेक्सिंग करनी है अपना, और मैंने नेक्स्ट किया, ये मेरी इंडेक्सिंग, कह रहा भाई रिव्यू कर लो लास्ट एक दफ़ा देख लो क्या सीन है, और मैंने कहा क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स को ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ओके किया मैंने, नॉट स्टार्टेड करके आ रहा है यहाँ पे ये फिलहाल, क्योंकि इंडेक्स में आपको पता है ना पूरे डेटाबेस को सॉर्ट किया जाता है एक्चुअली, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ये पूरे डेटाबेस को सॉर्ट करेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना डेटा मौजूद है, ठीक है। नॉट स्टार्टेड, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास जो फ्री में ना, मैं सिर्फ 3 इंडेक्सेस बना सकता हूँ, जिसमें से मैं एक अभी बना चुका हूँ, ठीक है। इंडेक्स का जो नाम है वो डिफ़ॉल्ट है मेरे पास, इंडेक्स का जो नाम है वो क्या है मेरे पास, डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, इंडेक्स में किसी भी चीज़ के लिए बना सकता हूँ, कलेक्शन मिसाल के तौर पे इस कलेक्शन में मैंने इस चीज़ के लिए बनाया है, किसी और कलेक्शन में मैं किसी और के लिए बना दूँ, मैं एक ही कलेक्शन में 3 4 5 इंडेक्सेस लगा दूँ एक ही कलेक्शन में। मिसाल के तौर पर मेरा स्टूडेंट का डेटाबेस होता है ना, तो स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन है, मैंने कहा रोल नंबर पे भी इंडेक्सिंग मारो और इसका जो डिस्क्रिप्शन है उस पे भी इंडेक्सिंग मारो। हाँ, ये सॉर्टिंग वाली इंडेक्सिंग है, ठीक है, जो एक्चुअल में डेटाबेस में जिस चीज़ को इंडेक्सिंग कहते हैं ना, ये वो इंडेक्स है, ठीक है, एक्टिव हो गया ये। अब एक्टिव होने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, अच्छा पाइन कोन में भी जो उसका इंडेक्स नाम रखा है ना, वो इसी निस्बत से रखा है, क्योंकि ये वेक्टर बगैर इंडेक्सिंग के काम ही नहीं करता, वेक्टर जो है बगैर इंडेक्सिंग के काम ही नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने बोला ये है ही इंडेक्स, ये है ही इंडेक्स। लेकिन चलो उसको अभी साइड पे कर दो, अभी अभी मोंगो डीबी हमारा प्राइमरी है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे, हम उसको अब नहीं देखेंगे। पाइन कोन का चैप्टर हमने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। पाइन कोन पढ़ाने का जस्ट एक मकसद था कि आप पाइन कोन के नाम से डरो नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में हर जगह पाइन कोन का नाम चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो सही डेटाबेस है मेरे हिसाब से तो मोंगो डीबी है, ठीक है। तो मोंगो डीबी ये सारे काम कर रहा है और उससे बेहतर तरीके से कर रहा है। अब आप देखो ना कि इसके अंदर मेरे पास बेनिफिट क्या हो गया, क्योंकि मैं ट्रिगर के अंदर करता हूँ वेक्टर में कन्वर्ट, तो मैं अगर 2 3 4 10 वेक्टर भी बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ टाइटल का वेक्टर अलग बनाओ और बॉडी का वेक्टर अलग बनाओ, और मैं 2 वेक्टर उसके अंदर सेव करा दूँ, हो जाएगा? ये पाइन कोन में नहीं हो सकता भाई, पाइन कोन में एक ही वेक्टर बनता है और उसके मेटा डेटा में एक्चुअल डेटा आ रहा होता है। मैंने 2 सर्च बार बना दी, मैंने कहा एक में लिखोगे आप टाइटल सर्च होगा, दूसरे में लिखोगे तो बॉडी सर्च होगी, इस तरह की कोई चीज़ मैंने कर दी अगर, या मैंने ये किया कि भाई सर्च जब मारूंगा मैं तो मैं 10 रिजल्ट लाऊंगा टाइटल में से उठा के, और उसके नीचे के 10 रिजल्ट लाऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन में से उठा के, ज़ाहिर है टाइटल की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होती है, तो ये काम मैं इसमें कर सकता हूँ भाई। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो अभी इस वक्त वापस मैं कलेक्शन में जा रहा हूँ, वापस मैं कलेक्शन में आ जाता हूँ, और देखो अभी एक है ना प्लॉट एम्बेडिंग के नाम से, ये एक इसमें एम्बेडिंग है ना, इसमें मैं 2 सेव करा देता, 3 करा देता, 10 करा देता, मैं करवा सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है, मैं इसमें करवा सकता हूँ ये काम। अच्छा, अभी शायद मेक सेंस नहीं हो रहा हो कि कैसे करवा सकता हूँ, अभी मैं क्वेरी लगाऊंगा ना समझ आ जाएगा, ठीक है, अभी क्वेरी लगाते हैं चल के इस पर। अच्छा, क्वेरी लगाने का तरीका भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, कह रहा है जी इंसर्ट योर डेटा, इंसर्ट योर डेटा पे तो खुद ही चलेगा पीछे, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ अब आगे। अब यहाँ पे ये क्वेरी का जो है ना, इसने बता दिया है मुझे कि जी क्वेरी किस तरह से होगी है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेरी करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं इसको जिस तरह से मैं क्वेरी पाइन कोन में करता था सेम उसी तरीके से करूँगा,
मेरे पास जो क्वेरी वाली चीज़ आएगी उसको मैं क्या करूँगा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करूँगा, और एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके मैं किस तरह से लगा रहा हूँगा क्वेरीज के अंदर, वो मैं कुछ इस तरह से लगा रहा हूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इस पर क्वेरी लगा रहा हूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्च वाले पे, है ना। सर्च में एक्चुअल में ये काम हो रहा होगा ना, और जो मेरी सर्च की एपीआई है ना, सर्च की एपीआई में जो मेरा टॉप वाला पार्ट है जिसमें मैं एम्बेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, ये तो यही रहेगा, सही है, वेक्टर बन के मेरे पास आ चुका है। लेकिन ये जो मैं पाइन कॉन पे ये क्वेरी मारता था ना, ये क्वेरी क्या हो जाएगी, अब ये क्वेरी अब चेंज हो जाएगी, ये क्वेरी अब इसकी जगह ये आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो कलेक्शन है उसका नाम क्या है, पोस्ट कलेक्शन। मैंने कहा भाई पोस्ट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट, सही है, और एग्रीगेट में मैंने क्या बोला, मैंने कहा डॉलर सर्च मारो, इंडेक्स होगा आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये इंडेक्स का नाम है मेरे। मैंने कहा किस इंडेक्स पे सर्च मारना है, इस इंडेक्स पे मारना है। आगे आके मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो मैंने जो इंडेक्स बनाया ना, सही है, सर्च में जाके, और ये इंडेक्स जो मैंने बनाया इसका नाम डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता था, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दिया इसका नाम। तो यहाँ पे आके सर्च करते हुए मैं बोलूँगा भाई पोस्ट कलेक्शन पे सर्च मारनी है आपने, और इंडेक्स कौन सा वाला हो, ये डिफ़ॉल्ट के नाम से जो इंडेक्स बना हुआ है वो KNN बीटा वाला सर्च मारना है, वेक्टर के अगेंस्ट आपने जो अभी अभी मैंने वेक्टर बनाया ना वो देना है, यानी वेक्टर बना के इसको दूंगा, बोलूँगा इसके अगेंस्ट मुझे सर्च करके ला के दो। पाथ इसका जो प्लॉट एम्बेडिंग होगा, यानी जो भी की है, अगर कुछ और होती तो मैं वो रखता, मैंने प्लॉट एम्बेडिंग ही छोड़ा हुआ है उसको। और यह है के इक्वल्स टू फाइव के पाँच डॉक्यूमेंट लेकर आएगा, टॉप के फाइव डॉक्यूमेंट लेकर आएगा जो इससे मैच हो रहे होंगे, ठीक है, इतना आसान हो गया ये। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये सर्च के अंदर ना, मैं ये एग्रीगेशन है ना, एरे है ये, इसमें एग्रीगेशन में मैं एक और भी दे सकता हूँ। अगर मैंने ये मिसाल के तौर पे ये दो दिए होते प्लॉट एम्बेडिंग की जगह, मैंने दो तीन अलग अलग एम्बेडिंग एक ही डॉक्यूमेंट में सेव मारा हुआ होता, तो मेरी मर्जी थी, मैंने कहा यार प्लॉट एम्बेडिंग इससे नहीं लाओ, रॉल एम्बेडिंग से लाओ। मिसाल के तौर पर मैंने रॉल नंबर को भी एम्बेडिंग बना दिया है, वैसे तो रॉल नंबर को एम्बेडिंग नहीं बनाते हम, सिमेंटिक डेटा को बनाते हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने उसको एम्बेडिंग बना दिया है, मैंने कहा भाई डिस्क्रिप्शन एम्बेडिंग, सही है, ऐसे करके मैंने एक फील्ड रखी हुई है। अगर मैं ट्रिगर में जिस जिस चीज़ को चाहूँ एम्बेडिंग बनाऊँ और अलग अलग फील्ड में सेव करा दूँ, कोई मसला नहीं है, मैं तीन फील्ड बना दूँ एम्बेडिंग की, चार फील्ड बना दूँ, दस फील्ड बना दूँ, लेकिन मैं सर्च करते हुए बताऊँगा मुझे कौन से फील्ड से सर्च करना है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई प्लॉट एम्बेडिंग के जो नाम से है ना मेरे पास पड़ा हुआ, उस पर ये सर्च परफॉर्म करो आप, और टॉप के पाँच डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ठीक है। टॉप के पाँच डॉक्यूमेंट लाने के बाद आप क्या करोगे कि जो है ना मुझे ये एरे में कन्वर्ट कर दोगे आप, और ये डॉक्यूमेंट्स करके मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो पाइन कोन वाला माल था इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे जो अब रिस्पांस में मैं क्या भेज देता हूँ इसको, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे मैं भेज देता हूँ। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे एरे मिल रहा होगा, ठीक है। आओ अब ज़रा यहाँ से सर्च परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। ठीक है, मैंने कहा कि जी टी टी लिखूंगा तो कॉफ़ी आ जाना चाहिए टॉप पे, लेकिन टी लिखने पे जो मेरे पास डेटा आता है, अच्छा वो तो मैंने उसका तो वेक्टर ही नहीं है ना मेरे पास यार, लेकिन ये सिर्फ एक क्यों आ रहा है, अच्छा नहीं आ तो तीनों रहा है, सही 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 आ तीनों रहा है, लेकिन हाँ यार वो दो बाकी दोनों का तो वेक्टर नहीं है, उसका वेक्टर कैसे बनेगा, वेक्टर उसका मैं ऐसे बनाऊंगा, उसको मैं करूंगा थोड़ा सा अपडेट, वेक्टर खुद ही बन जाएगा उसका। आओ उस कलेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि अपडेट पे मैंने चलवाया हुआ है ना, वो भी टेस्ट भी हो जाएगा। मैं जाता हूँ इसके भाई ब्राउज कलेक्शन, अपडेट पे चलेगा ना, चेक मारा था मैंने अपडेट पे, यार वो भी छोड़ो उसको क्या फ़र्क है, छोटा सा मसला कोई है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या फ़र्क है, लेकिन रिप्लेस में क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट पूरा हट जाता है और उसकी जगह दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाता है। और अपडेट में ना MongoDB के अंदर ये होता है कि अपडेट जब करते हो ना किसी डॉक्यूमेंट को आप, तो वो उसकी हिस्ट्री को मेंटेन रखता है, यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने अपडेट किया ना तो आप कंट्रोल जेड मारने का ऑप्शन होता है, GitHub वाला ऑप्शन होता है। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए मैंने अगेन कहा है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्या अंदर इसका मंजन है, यानी रिप्लेस की रिक्वेस्ट कैसे लगी। वेल चलो, जो MongoDB स्पेसिफिक जो मेरी नॉलेज है वो मैंने शेयर कर दी कि यार जब भी MongoDB में किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट वन मारते हो ना, अपडेट वन, तो उसके अपडेट को वो समहाउ कहीं ना मैनेज कर रहा होता है, उसका वर्जन मैनेज कर रहा होता है कि ये
पहले इसका V1 था, अब ये V2 हो गया, V3, V4 हो गया, वो सारे रखता है साथ में, ठीक है। रिप्लेस में है ना वो ये काम नहीं करता, रिप्लेस में वो पूरा उड़ा देता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तो दोनों अपडेट ही हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो अपडेट और रिप्लेस इस तरह से काइंड ऑफ ये अलग अलग है यहाँ पे। अच्छा तो मेरे पास क्या है भाई, सबसे पहले ये आई लव कॉफ़ी वाले पे ना एम्बेडिंग नहीं है, तो मैं आई लव कॉफ़ी वाले को जाके क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा एडिट मारता हूँ और कॉफ़ी के पास मैं डॉट लगा देता हूँ और अपडेट मार देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब वो जो है ना वो यहाँ पे इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो एम्बेडिंग उसमें आ चुकी होगी, क्योंकि अपडेट होने पे वो ट्रिगर पूरा का पूरा दोबारा चलेगा, ठीक है। आई लव कॉफ़ी में अब देखो एम्बेडिंग आ गई है, ठीक है। अब मैं टी लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा वो, ठीक है। अब टी लिखा तो मुझे मिल गया। अब ये दो आया, सम न्यू डॉग और आई लव कॉफ़ी, ये दो ही आया है क्योंकि बाकी दोनों में एम्बेडिंग है ही नहीं। उसको मैंने रिफ्रेश किया और बाकी दोनों को मैं डिलीट मार देता हूँ। टॉप के 100 है, उसमें 11,000 की लिमिट है, उसमें मैंने 2-4 लाख भी डाल के देखा है, लिमिट नहीं है इसके अंदर। वो एक ही डॉक्यूमेंट शो होगा, अगर 5 की जगह 1 लिख दोगे एक शो होगा, 5 की जगह मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगाता हूँ ना अगर, तो भी ये मुझे मना नहीं करता, मुझे ये नहीं बोलता कि भाई मैं मर गया। मैंने टी लिख के एंटर मारा, नहीं अब इसने अब नो बोला है इसने कि मैं मर गया। अच्छा इसने बोला कि यार क्या बोल दिया इसने, की आईडी है ना ये, तो पता नहीं क्या है। अच्छा 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 अगर मैं इसको नहीं 1 करता हूँ तो 1 पे तो चलता है ये, ये असल में कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है। बीटा के ओवरफ्लो कर दिया ना इसने, ये रहा, ये 32 बिट का इंटीजर है एक्चुअली, ये इसने बोला कि भाई ये बीटा के जो है ना ये ओवरफ्लो हो गया, मस्ट फिट इन 32 बिट इंटीजर। अब 32 बिट इंटीजर का मतलब क्या है, 8 × 16 × 32 यानी कि 4 बाइट, तो 4 बाइट में पता नहीं 2 बिलियन तक आते हैं ना, 2 बाइट में तो 65,000 आते हैं, 4 बाइट में पता नहीं कितने आते हैं, ठीक है। खैर मैक्स वैल्यू 32 बिट इंटीजर, सही है, ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी, सही है। फोर सिक्स करके देखते हैं, 4-7 पे क्या होता है, फिर 4-6 भी करके देखते हैं। चल गया, सही है। अब जैसे ही मैं इसको 7 से 8 करूँगा तो ये चलना बंद हो जाना चाहिए। ब्रेक हो गया, सही है। तो ये इसकी भाई मैक्सिमम वैल्यू है, ये 7, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा 2 क्यों लेके आया, क्योंकि बाकी दोनों को मैंने डिलीट मार दिया, 2 ही बचे हैं इसमें, नीचे के दोनों को मैंने डिलीट मार दिया, अभी मारा है, सही है। मैंने कहा भाई इलॉन मस्क, और मैंने कहा कि भाई सम टेक्स्ट स्पेस एक्स या एक्स वाई जेड कुछ भी, अभी इसको हम टेस्ट मारते हैं बराबर। ये तीसरा आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टेस्ला, टेस्ला नहीं लिखा ना मैंने, तो इलॉन मस्क आना चाहिए टेस्ला में भी, ठीक है। टेस्ला में इलॉन मस्क आ रहा है मेरे पास, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार ड्रिंक, तो ड्रिंक में कॉफ़ी आना चाहिए, ठीक हो गया। बस अच्छी चीज़ तो ये है वाकई में। अच्छा तो मैक्स वैल्यू इसकी जो है ना ये आ गई, कि भाई ये पता नहीं कितने हो गए यार, ये बहुत अच्छे खासे हो गए, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,00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 0
तो ये मना नहीं करेगा आपको। वो किस पे मना कर देता है? 10,000 पे मना कर देता है। ठीक है, दोनों ही वैसे अच्छी खासी लिमिट है, 10,000 भी एक बड़ी लिमिट है। अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, सर्च परफॉर्म कर लिया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो वेक्टर सर्च था मोंगो डीबी के साथ वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ सकते हो। इसमें एक चीज़ और वैसे रह गई है मेरी, एक चीज़ और रह गई है मेरी, वो रीजन, वो चीज़ पता है क्या रह गई है? वो चीज़ ये रह गई है कि जैसे कि तो मैंने ड्रिंक मारा ना यहाँ से, ड्रिंक जब मैंने मारा यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आता है ना, इसके अंदर क्या आ जाता है, ये प्लॉट एम्बेडिंग भी आ जाती है। ये मुझे नहीं चाहिए,
ठीक है, इसी तरीके से जब मैं इसको रिफ़्रेश मारता हूँ तो मेरे पास ये डेटा आता है, इसके अंदर क्या आ जाता है, ये प्लॉट एम्बेडिंग भी आ जाती है। अब इसको मैं कैसे ख़त्म करूँगा, मैं इसको ख़त्म करूँगा, आओ गेट वाली पहले तो एपीआई को सही कर लेते हैं, है ना। गेट ऑल स्टोरीज में आते हैं और इसको मैं क्या कर लूँगा, मैं इस पर प्रोजेक्शन लगा लूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा डॉट प्रोजेक्ट, ठीक है, और डॉट प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार जो आपकी प्लॉट एम्बेडिंग है ना, क्या उसकी स्पेलिंग थी यार प्लॉट एम्बेडिंग की, है गेट में भी आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है, दोनों में होगा ये। मैंने कहा प्लॉट एम्बेडिंग जो है ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अंडर स्कोर वी भी एक आता है, देखो यही जो वर्जन में बता रहा था ना, अंडर स्कोर वी भी एक चीज़ होती है इसके अंदर, वो यहाँ दिख रहा नहीं है अभी एक्चुअली, लेकिन होता है इसके अंदर। अभी तो मैंने सेव नहीं किया ना एक्चुअली इसको, वो अंडर स्कोर वी तो वैसे भी नहीं आ रहा। वेल चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जीरो करके सेव का बटन दबाया, तो प्लॉट एम्बेडिंग को मैंने करा दिया माइनस। अब यहाँ पे नहीं आएगा प्लॉट एम्बेडिंग, मैंने रिफ़्रेश किया इधर आके, और रिफ़्रेश करने पे अब मैं इसको चेक करूँगा ना, ठीक है। तो अब मुझे प्लॉट एम्बेडिंग इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है। इसको हम कहते हैं MongoDB प्रोजेक्शन। सर्च में भी मैं ये काम करूँगा, प्रोजेक्शन में सर्च में भी लगाऊँगा। अच्छा, सर्च में जो प्रोजेक्शन लगाने का तरीका है वो क्या है, क्योंकि मैं इसमें एग्रीगेशन कर रहा हूँ ना, तो एग्रीगेशन में मुझे अब अगर दूसरा काम है ना सेकंड, तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट उसके लिए मुझे देना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड करके मैं डॉलर प्रोजेक्ट लगाऊंगा, और डॉलर प्रोजेक्ट में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार वही प्लॉट एम्बेडिंग जो है ना आपका, उसको कर दो आप ज़ीरो, ठीक है। यानी अब जो एग्रीगेशन में एक दूसरा मैंने ये दे दिया है, ठीक है, अभी तीसरा भी दूंगा मैं, अभी एक तीसरा भी मैं दूंगा, मुझे एक चीज़ और भी इसमें अभी तक नहीं मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं टी लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास जो ये रिस्पांस आया है इसके अंदर अब जो है वो प्लॉट एम्बेडिंग अब नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन लगा दिया। अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं मिलती है, वो है आपका जो है वो स्कोर नहीं मिलता है ना, स्कोर नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा, स्कोर वैसे तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं ला रहा, वो स्कोर मेरे समझ नहीं आया अभी तक कि वो चल कैसे रहा, ठीक है। वो कभी भी 80-85 से ऊपर नहीं जाता, 88 से ऊपर नहीं, 90 टच नहीं करता वो कभी भी, ठीक है, वो 80 के अंदर अंदर ही रहता है। अच्छा, और वो 70-60 से नीचे नहीं जाता कभी, वो सारे डॉक्यूमेंट ले आता है, बिल्कुल इररिलेवेंट भी ले आता है, लेकिन वो फिर भी उसमें 70-80% मैच कर रहा होता है। तो अब पता नहीं वो कैसे उसको चला रहे हैं। वेल, उसकी मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, उसके लिए मैं प्रोजेक्शन के अंदर जो एग्रीगेशन है मेरा, एग्रीगेशन में एक और यहाँ पे मैं लगाऊंगा वो ऑब्जेक्ट एक अदद, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि यार मुझे ना आप ला के दो वो, अच्छा लिमिट भी मैं लगा सकता हूँ एग्रीगेशन में, वो सारे ऑपरेटर लग जाते हैं जो एक नॉर्मल क्वेरी में लगते हैं ना, वो सारे लग जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए स्कोर चाहिए ना मुझे। सजेस्ट कर दे भाई, आज किसी काम आ जा तू, आज किसी काम नहीं आया आज मेरी, ठीक है। मैं इसको वो लगाता हूँ, गेट स्कोर ऑफ सही है, आज के दिन अगर ये मेरे काम आ गया ना, नहीं आया, किसी काम का नहीं है ये, नहीं नहीं मैं यहाँ से देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अबे कहाँ से आ जाएगा टाइप, क्या हो गया, कैसे आ जाएगा ये भाई, ये दिस इज़ अ प्लेन ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो नहीं आएगा, ठीक है। एग्रीगेट जो है वो एरे है, और एरे के अंदर मैं प्लेन प्लेन ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो वो एग्जीक्यूट करते हुए बताएगा, सजेशन में कुछ भी नहीं देगा वो, नहीं वो स्कोर के अंदर जो है ना, मुझे स्कोर करके ही कुछ ऐसे करके लिखना होता है अभी। वेल मैं उसका भूल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ ना यहाँ से मैं, क्या नाम था इसका, ठीक है, एटलस वेक्टर सर्च में मैं दोबारा आ गया, और यहाँ पे क्या था यार, गेट स्टार्टेड में चला जाता हूँ मैं, अरे यार क्या बकवास है, मुझे असल में एग्रीगेशन में जाना पड़ेगा, एग्रीगेशन MongoDB, वो एग्रीगेशन में ना मुझे एक्चुअली क्या दे रहा होता है, वो मेटा करके कुछ चीज़ें दे रहा होता है,
सही है, मेटा करके मुझे कुछ चीज़ें दे रहा होता है, तो वो मैं जब गेट करूँगा ना तो मुझे उसमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्रीगेशन पाइपलाइन, इंडेक्सेस, यार पता नहीं किधर होगा यार वो, नहीं आया ना सर्च करने पे, आना होता तो आ जाता वो। यहाँ पे कहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ तो होगा वैसे। यार डॉलर मेटा करके कुछ है वो, अच्छा डॉलर लिखा मैंने तो सजेशन दी थी इसने। अच्छा मैंने लास्ट जो है ना, पता नहीं पता है अभी कौन सी क्लास में मैंने ये काम किया है लास्ट, कौन सी क्लास में नहीं, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस की है ना, मैं वहाँ से खोल के देख के निकाल लेता हूँ। सही है, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा ना अभी। मैंने बैच 9 वाला जो ये है ना, इसके अंदर मैंने उनको पढ़ाया तो नहीं एक्चुअली, मैंने अपने लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसी में कर दिया था, तो यहाँ से मैं वो देख लेता हूँ। वेक्टर डेटाबेस भी पढ़ा रहा हूँ। पोस्ट डॉट एम जी एस, हाँ ये है ना सर्च। अच्छा स्कोर डिटेल यहाँ पे भी ट्रू लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना स्कोर डिटेल करके ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन के अंदर भी मैं इसको ले सकता हूँ, तो प्रोजेक्शन के अंदर में ये स्कोर जो है ना दो तरीके से मुझे मिल रही है, वो मैं दोनों यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्शन में मुझे दो तरीके से मिल रही है यहाँ पे ये, तो मैंने दोनों तरीके लिख दिए। ठीक है, और मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, यानी के बाद ना, यानी के एन एन बीटा यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, तो स्कोर डिटेल को ट्रू करूँगा तो मुझे ये भी स्कोर देगा। मुझे तीन जगह से अलग अलग जगहों से स्कोर मिल रहे हैं यहाँ पे। सही है, मुझे तीन अलग अलग जगहों से स्कोर मिलते हैं, मैंने तीनों को इनेबल कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आके मैं क्या लिखता हूँ, अब टी लिखता हूँ अगेन, और टी लिख के मैं सर्च मारता हूँ, तो क्या हुआ, कोड ब्रेक हो गया ये। पाइपलाइन स्टेज स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन फील्ड। ओ एक्चुअली मैंने एक भंड मारा है, मैंने पता है क्या किया है, ये स्कोर डिटेल पूरी ना मुझे इसके अंदर चाहिए थी, प्रोजेक्शन के मुझे अंदर चाहिए थी, ऐसे लगेगा ये एक्चुअली। सही है, प्लॉट एम्बेडिंग स्कोर और स्कोर डिटेल, ये असल में स्कोर जो है वो इसकी एक फील्ड है जो कि मुझे वो नहीं दे रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, तो मुझे प्रोजेक्शन में ज़बरदस्ती मंगवाना पड़ रहा है कि यार मुझे आप ये दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब जो मेरे पास डेटा आता है ना उसके अंदर मुझे यहाँ पे स्कोर भी मिल रहा है। ठीक है, 0.9 0.9 स्कोर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये वाले जो है इसका क्या स्कोर आया, इसका 0.8 आया है, और ये वाले का जो स्कोर है वो भी 0.88 ही आया है। ठीक है, जब तीनों का स्कोर ही 0.8 है तो स्कोर का सेंस क्या है फिर। ठीक है, वेल शायद ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा जब इसके पास होगा ना तो फिर ये स्कोर शायद कुछ मीनिंगफुल मुझे मतलब देगा, मतलब 4, 5 या 10, 12 के अंदर तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है, मुझे बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे सेमेंटिक सर्च का जो टॉपिक था MongoDB का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, नहीं नहीं असल में प्रोजेक्शन का काम ये होता है, प्रोजेक्शन में ना जब मैं एक डेटाबेस में क्वेरी लगाता हूँ, तो मैं जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास फील्ड है टाइटल, बॉडी और अंडरस्कोर आईडी, मतलब तीन ऑप्शन, तीन फील्ड्स मौजूद हैं मेरे कलेक्शन में, जो मैं गेट करूँगा सारे आएंगे तो सारे आ जाएंगे आगे, लेकिन मुझे मिसाल के तौर पर टाइटल नहीं मंगवाना। जैसे मतलब मैं यूज़र गेट कर रहा हूँ, मुझे यूज़र का पासवर्ड वाली फील्ड नहीं मंगवानी, मुझे सिर्फ यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मंगवाना है, तो मैं प्रोजेक्शन में लिखूंगा कि यही तीन ला के दो मुझे। मैं प्रोजेक्शन में आके लिखूंगा ये वाली बात, मैं बोलूंगा कि भाई फर्स्ट नेम इक्वल्स 1, लास्ट नेम इक्वल्स 1, ठीक है, और
ईमेल इक्वल्स वन, ठीक है, और पासवर्ड को मैं करूँगा जीरो बाई फोर्स, ठीक है, इन तीनों को मैंने किया वन, इनको कर दिया मैंने ज़ीरो। बाई डिफ़ॉल्ट सारे वन होते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट सारे वन होते हैं, सब लेकर आ रहा होता है वन। वो सेलेक्ट असल में प्रोजेक्शन ही होता है, सेलेक्ट जो है ना उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। तो मैंने ये लगा दिया, मैंने कहा ये तीन लाओ ये मत लाओ, ये मैंने लगा दिया। अच्छा, अब सीन हमारे पास क्या है, हमारे पास सीन ये है कि हमारे पास हमारी फील्ड में प्लॉट एम्बेडिंग के नाम से एक चीज़ मौजूद थी, प्लॉट एम्बेडिंग के नाम से एक चीज़ मौजूद थी हमारे पास, उसको मैंने ज़ीरो करा दिया। अच्छा, एक स्कोर के नाम से भी एक चीज़ मौजूद थी जो कि मेटा के अंदर थी कहीं, मैंने कहा यार इसको ना प्रोजेक्ट करो। सही है, देखो प्रोजेक्शन में ना मैं ये भी कह सकता हूँ, प्रोजेक्शन में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो सर्च स्कोर है ना उसको मैंने स्कोर के नाम से मंगवाया है, ये काम किया मैंने। अच्छा, सर्च स्कोर क्योंकि मेटा में है तो बाई डिफ़ॉल्ट सारे वो ज़ीरो होते हैं। सही है, कि कितनी देर में क्वेरी चली, कितना ये हुआ, वो सारा चीज़ें मेटा के अंदर होती हैं, वो है ना। एक्चुअली क्वेरी से जो डेटा आ रहा है ना वो उस डेटा के मुताल्लिक वो डेटा है, वो एक्चुअल डेटा नहीं है। तो मेटा में से मैंने कहा भाई मेटा में से निकालो इस नाम का जो आइटम है ना उसको इस नाम से ला के मुझे दिखा दो। अंडर स्कोर के बगैर हाँ हाँ मैं उसको बोलूँगा कि भाई जो मेरा जो है ना, मैं बोलूँगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट अंडर स्कोर नेम के नाम से चाहिए, है नहीं इस नाम से। वो है किस नाम से एक्चुअली, वो है असल में किस नाम से, वो है फर्स्ट नेम के नाम से। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट वो इस नाम से है और मैं उसको मंगवा रहा हूँ इस नाम से। ठीक है, और मैं उसको बोलूँगा ऐसे बन इस तरह करके भी मैं, अच्छा ये आई एम नॉट श्योर कि ये सिंटैक्स सही है या नहीं है, वो देख लेना कैसे होता है सिंटैक्स, आई एम नॉट श्योर कि, लेकिन इस तरह से हम कर रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम इसको ये भी बोल रहे होते हैं कि यार आप ना एक काम करो, इसको फर्स्ट नेम को ना प्रोफाइल डॉट करके कर दो। मैंने कहा प्रोफाइल डॉट फर्स्ट नेम करके, कि भाई प्रोफाइल के अंदर एक फर्स्ट नेम है उसको कर दो आप। तो प्रोजेक्शन की पूरी एक टॉपिक है वो, आप MongoDB के अंदर ना यहाँ पर आप जाओगे ना प्रोजेक्शन में, MongoDB प्रोजेक्शन में आप जाओगे तो ये प्रोजेक्शन का जो है ना पूरा मैनुअल है हमारे पास। ठीक है, ये इसने ना एरे की वैल्यू को प्रोजेक्ट करना बता दिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रोजेक्ट करना बता दिया है। नहीं यार, ये वाला शायद, ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। पहले इसने ये डेटा इंसर्ट मार दिया, इसने बोला ये है एक्चुअल डेटा जिस पे हम नीचे सीख रहे होंगे सारा। ठीक है, इसने बोला कि भाई आप इन्वेंट्री पे फाइंड मारो जिसका स्टेटस है ए, तो वो इन्वेंट्री से जब फाइंड मारेंगे तो उस इन्वेंट्री का जो आइटम आएगा वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा। सही है, अच्छा यही सीक्वल पे भी साथ साथ बताता जा रहा है कि भाई ये होता सीक्वल के इक्वेलेंट, अगर यही काम मैं सीक्वल में करता तो कुछ इस तरह से कर रहा होता। ठीक है, अच्छा फिर इसने बोला कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि भाई कलेक्शन इन्वेंट्री है उसमें से फाइंड करो स्टेटस वन, लेकिन प्रोजेक्शन में मुझे चीज़ कौन कौन चाहिए, आइटम चाहिए और स्टेटस चाहिए बस, उसके अंदर अगर मजीद कोई चीज़ है तो वो मुझे नहीं चाहिए। सीक्वल में ये काम मैं ऐसे करता, मैं कहता सेलेक्ट आईडी आइटम स्टेटस, ये तीन चीज़ें हैं फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर स्टेटस इक्वल्स टू, सीक्वल में ये काम इस तरह मैं कर रहा होता। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये तो मैंने बोला कि मंगवाओ, फिर मैं सप्रेस भी कर सकता हूँ किसी चीज़ को, मैं ज़ीरो भी कर सकता हूँ, सप्रेस हो जाएगा ये नहीं आएगा फिर। ठीक है, वो काम इसके अंदर सेलेक्ट में मैं ऐसे कर रहा होता, इसमें उसका नाम नहीं लिखता वो खुद ही सप्रेस हो जाता। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो है ना रिटर्न ऑल बट एक्सक्लूड फील्ड, यानी कुछ एक दो को मैं सप्रेस करना चाह रहा हूँ बाकी सारे मैं मंगवाना चाह रहा हूँ, तो वो ये हो गया। अब ये इसका, अब इस डॉक्यूमेंट को पूरा जब पढ़ोगे ना आप लास्ट तक तो इसमें वो सारी की सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में।